हेलो, वेलकम टू गेट एकेडमी क्रैश कोर्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम्स। तो फर्स्ट लेक्चर आपने देख लिया होगा। अभी हमने फर्स्ट यूनिट जो स्टार्ट की अपनी रैंडम वेरिएबल रैंडम प्रोसेसेस से, हम उसके बेसिक्स के लिए बस प्रोबेबिलिटी की कुछ डेफिनेशंस हमने बस देखे अभी, और उसके बाद फिर आपने कुछ उसके एग्जाम्स देखे, प्रोबेबिलिटी को आपने डिफाइन किया, और फिर हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉइंट अकरेंस की बात की। तो वो जो चीज़ें हैं, अगर आपको उसमें थोड़ा भी कन्फ्यूजन है तो उसको हम अभी डिटेल में देखेंगे उन चीज़ों को। तो आप यहाँ से ही अपने नोट्स समझ सकते हैं, जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के जो नोट्स आप करेंगे वो यहाँ से आप एक्चुअली उनको फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे अभी जो हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया उसको एक बार बस रिकॉल कर ले हम। आपने सबसे पहले कहा कि प्रोबेबिलिटी, एक नंबर असाइन करते हैं हम किसी इवेंट को, तो प्रोबेबिलिटी हमारी हमेशा कैसी होगी, कोई नॉन जीरो नंबर होगा। मतलब आप लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए पी ए मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। और आप ये भी जानते हैं मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है प्रोबेबिलिटी की, अगर कोई इवेंट हमारा सर्टेन इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1। तो ये फर्स्ट वैल्यू थी, फर्स्ट एक्सियम। सेकेंड आपने देखा था कि अगर हम सारे आउटकम्स को ले लें और उनमें से किसी एक के होने की प्रोबेबिलिटी देखें, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, तो ये वैल्यू हमारी ऑब्वियसली क्या होगी, वैल्यू ये 1 होगी। और थर्ड हमने देखा था कि अगर हमारे दो इवेंट्स हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, उनके केस में अगर हम उनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी देखें, मतलब किसी एक का हो जाना, चाहे इवेंट ए हो जाए या इवेंट बी हो जाए या फिर दोनों इवेंट्स हो जाएं, तो आपने लिखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इन केस ऑफ इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो हमने देखा था ये जो वैल्यू थी हमारी, दैट इज प्रोबेबिलिटीज, जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज हैं उनका बस हमें सम लेना, दैट इज पी ए प्लस पी बी। ये चीजें हमने देख ली थी। इसके बाद आपने फिर अलग से ये भी देख लिया था कि अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो फिर आपको यहाँ पर एक एडिशनल टर्म लेना पड़ेगा, माइनस ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी। इसके अलावा जो सेट थ्योरी के जो बेसिक रूल्स हैं, जो आप जैसे कि बुलियन अलजेब्रा में भी जो चीजें आप यूज करते हैं, जैसे आप लेते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम, वो सभी भी यहाँ पर एप्लीकेबल हैं, वो सभी स्टेटमेंट्स भी आपको पता है, तो यहाँ पर मैं अलग से नहीं लिख रहा, ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी तो उनको भी देख लेंगे हम। तो अभी जो हमने ये प्रोबेबिलिटी डिफाइन की उसके लिए आपने दो कॉन्सेप्ट्स देखे बेसिकली, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए इज बाय डेफिनेशन इट इज गिवन एज लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर हम लिख दें तो हमें लेने की जरूरत नहीं है, तो हम ये लिख सकते हैं नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट ए अकर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टाइम्स दैट वी हैव परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट। जो भी आपने एक्सपेरिमेंट किया है उसमें से जितनी बार इवेंट ए अकर हुआ अपॉन टोटल नंबर ऑफ जो आपने ट्रायल्स लिए। तो ये आपकी डेफिनेशन है बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, ये आपने फर्स्ट डेफिनेशन लिखी, इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, ठीक है ये। और फिर आपने सेकेंड लिखी क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, कि अगर हमारे पास कोई इवेंट है उसमें, अगर हमारे पास सैंपल स्पेस है उसमें कोई इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी का डिफाइन कर रहे हैं, तो जितने भी उसमें इवेंट्स हैं जो ए के लिए फेवरेबल हैं, अगर उन टोटल इवेंट्स को ले लें डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स अगर आप कर दें, मतलब जो सैंपल पॉइंट्स हैं, तो वहां से भी आपने डिफाइन किया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स फॉर इवेंट ए, दैट इज अगर हम उसको एन ए से नाम दे दें तो एन ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहां जो हमने लिखा है ये ए क्या है हमारा, एन ए, इट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, और ये एन क्या हमारा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो इस डेफिनेशन को यूज करते हुए आपको थोड़ा सा केयरफुल भी रहना है, मतलब ये जो हमने लिखा है क्लासिकल डेफिनेशन, पहले हम इसी को नॉर्मली यूज करते थे, लेकिन यहां पर कुछ कंडीशंस हैं। जैसे अगर मान लीजिए, एक छोटा सा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर हम आगे देखेंगे चीजों को। सपोज हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि हम दो डाई को रोल कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम एक्सपेरिमेंट ले लें, एक्सपेरिमेंट दैट इज रोलिंग ऑफ टू डाइसेस। अगर आपने दो डाइस को रोल किया और यहां पर अगर हम देखना चाहते हैं इवेंट अपने, इसकी प्रोबेबिलिटी, इवेंट हम क्या ले रहे हैं, दैट द सम ऑफ अपीयर्ड फेसेस इज इक्वल्स टू कोई भी एक वैल्यू आप ले लें 7, ठीक है। तो अगर आप इस डेफिनेशन को यूज करके अगर आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो देखिए यहां पर क्या क्या कंडीशन हो सकती थी जो आप ले सकते थे। फर्स्ट कंडीशन अगर हम देख लेते, टोटल नंबर ऑफ जो हमारी टोटल पॉसिबिलिटीज, टोटल पॉसिबिलिटीज ऑफ सम, अगर आप दो डाई को रोल कर रहे हैं तो दोनों डाई पर 1 से लेकर 6 तक फेसेस हैं, मतलब जब भी कोई सम अपीयर होगा तो मिनिमम सम क्या हो सकता है, जब दोनों डाई पर 1 आ जाए, मतलब मिनिमम आपका सम 2 होगा, 2 से कम सम नहीं आ सकता, ऐसे ही मैक्सिमम सम क्या हो सकता है, 12 हो सकता है। तो अगर आप ऐसे जज करते हैं कि टोटल पॉसिबिलिटीज क्या है, क्या क्या सम में आ सकते हैं हमारे पास, 2 मिल सकता है हमें, 3 मिल सकता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, ये आपका क्या हो गया। अगर आपने ऐसे कंसिडर किया कि ये हमारे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं जो हमें सम के फॉर्म में मिलेंगे, और वहां पर अगर आप देखें कि जो इवेंट लिया आपने वो इवेंट क्या लिया है, सपोज
एज इक्वल्स टू आपका कोई इवेंट है जो सम का कितना होना चाहते हैं आप, 7। तो अगर आप सम 7 एक ही आप पॉसिबल, आप सिर्फ एक ही फेवरेबल आपकी कंडीशन दिख रही है यहां से, तो क्या हम यहां पर ऐसा लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू टोटल हमारे पास एक फेवरेबल आउटकम है और यहाँ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब अगर आप देखें तो 2 से लेकर 12 तक, मतलब टोटल 11 नंबर्स। तो यहां पर अगर आप लिखना चाहें ऐसा, ये 1/11, तो क्या ये चीज करेक्ट होगी? इट इज नॉट करेक्ट, इट इज नॉट करेक्ट। क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि आप ये जो सम्स ले रहे हैं, जैसे 2, अगर आप देखें सम 2, तो 2 के आने की एक ही पॉसिबिलिटी है जब दोनों ही फेसेस पर, दोनों ही डाई पर क्या है, 1 आए। लेकिन 3 के आने की पॉसिबिलिटी दो तरीके से हो सकती है, या तो एक पर 2 दूसरे पर 1 आए, या एक पर 1 दूसरे पर 2 आए। ठीक है, इन चीजों को हम बाद में और देखेंगे अच्छे से। जैसे मान लीजिए आप 6 लिख रहे हैं, तो 6 की पॉसिबल कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं? 1/5 से भी आपको 6 मिल जाएगा, 2/4 से भी आपको 6 मिल जाएगा, 3/3 से भी आपको 6 मिल जाएगा। मतलब 6 के आने की, सम के 6 आने की प्रोबेबिलिटी में आपको यहां कंडीशंस दिख रही हैं, 3 कंडीशंस यहां पर अभी हमने लिखी हैं, और 2 आने की प्रोबेबिलिटी के लिए आपको सिर्फ एक ही फेवरेबल कंडीशन मिल रही थी। तो ये इसलिए ये रिजल्ट रॉन्ग है, क्योंकि अभी जो आपके ये सैंपल पॉइंट्स जिनको आप मान रहे हैं, दीज आर नॉट इक्वली प्रोबेबल। ये इन सब की प्रोबेबिलिटीज अगर सेम होती तो बिल्कुल आप ये कंडीशन यूज कर सकते थे, NA/N। तो मतलब यहां से क्या हमारा, जो हम ये अगर क्लासिकल डेफिनेशन यूज करेंगे तो इसके लिए क्या होना चाहिए, ऑल आउटकम्स मस्ट बी इक्वली लाइकली लिखे आप, या फिर आप लिख सकते हैं इक्वी प्रोबेबल। तो अगर आप इस क्लासिकल डेफिनेशन को जब भी यूज करते हैं तो उस केस में क्या होना चाहिए, सभी आउटकम्स आपके इक्वली प्रोबेबल होने चाहिए। मतलब जो आप डाई यूज कर रहे हैं, या फिर अगर आप टॉस कर रहे हैं तो कॉइन यूज कर रहे हैं, वो कभी भी बायस नहीं होना चाहिए। मतलब उसके सारे फेसेस की डाई में प्रोबेबिलिटी अगर सेम हो तो आप ये यूज कर सकते हैं। कॉइन अगर आपका फेयर है तो आप ये यूज कर सकते हैं। अब इस केस में जैसे मान लीजिए, एक सेकेंड केस क्या हो सकता था, अगर आप क्या देख लेते कि ऑल पॉसिबल कंडीशंस विदाउट डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन डाई 1 और 2। अगर आप ये कंसिडर नहीं करें कि हम डाई 1 पर क्या आ रहा है, डाई 2 पर क्या आ रहा है, आप अगर सिर्फ देखें कि पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं, जब भी हम दो डाई को रोल करेंगे तो हमें क्या क्या चीजें दिख सकती, तो आपको अगर देखें यहां पर तो क्या चीजें दिख सकती थी आपको, आप अगर ऐसे सैंपल स्पेस मानते तो आपको क्या चीजें दिखती कि 1 के साथ दूसरे एक डाई पर या तो 1 और 1 हो सकता है, या फिर 1 के साथ आपका 2 आ सकता है, 1 के साथ 3 आ सकती है चीज, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6। ये 1 की कंडीशन है। अगर एक डाई पर 1 है तो दूसरे डाई पर क्या हो सकता है, 1 से लेकर 6 तक कुछ भी चीज हो सकती है। ऐसे ही जब आप यहां पर 2 के साथ देखेंगे तो क्योंकि आप डाई में डिस्टिंग्विशिंग नहीं कर रहे हैं, तो अगर आप ये 1 और 2 अगर ये ले चुके हैं, मतलब आपको दिख रहा है कि दो डाई में 1 पर 1 और 1 पर 2 आया, तो वो कंडीशन अगर आप ले चुके हैं तो यहां आप 2-1 की कंडीशन नहीं लेंगे, क्योंकि आप दोनों डाई में डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे। तो अगर यहां पर हम कंडीशंस देखें तो 2 के साथ 2 का आना, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, इस तरह से आपको ये वैल्यूज मिलेंगी, 2-5, 2-6, ये आपको चीज मिली। ठीक है, ऐसे ही अगर आप 3 के साथ देखेंगे तो क्योंकि आप 1-3 ले चुके तो 3 के साथ 1 नहीं लेना आपको, आप 2-3 भी ले चुके हैं तो 3 के साथ 2 भी नहीं लेना आपको, तो आपके स्टार्ट कहां से करेंगे आप, 3-3, 3-4, 3-5 और 3-6। ऐसे ही 4 के साथ क्या क्या कंडीशंस हो सकती थी, 4 के साथ आपका 4-1 आप ऑलरेडी ले चुके हैं यहां पर, 4-2 भी ले चुके हैं आप, 4-3 भी ले चुके हैं, तो मतलब 4 के साथ 4 से आप स्टार्ट करेंगे, 4-4, 4-5 और 4-6। ऐसे ही अगर आप 5 के साथ देखें तो 5-5, 5-6, और 6 के साथ सिर्फ एक आपका रह गया है, दैट इज 6-6। तो अगर आप देखें तो इस तरह से आप अपना सैंपल स्पेस देख सकते थे। इस केस में अगर आप दोनों डाई में डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं कि दोनों में से किसी पर भी 1 आए, किसी पर भी 2 आए, आपको सिर्फ मतलब किससे है, ओवरऑल क्या चीज दिख रही है। तो अगर आप ऐसे में काउंट करेंगे तो आपके पास कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब यहां से आपको वैल्यू मिल रही है 6, ये आपको 5 वैल्यू मिल रही है, 4, 3, 2 और 1, तो 6, 5, 11 + 4 दैट इज 15 + 3 = 18 + 2 = 20 + 1 = 21। तो टोटल आपको दिख रहा है कि जो पॉसिबल आउटकम्स आपको दिखेंगे उस केस में वो टोटल 21 आउटकम्स है। अब सम का 7 होना, किस किस कंडीशन में आपको सम 7 मिल रहा है, ये आपको 7 मिल रही है चीज, आपको यहां से 7 मिल रहा है सम, ये सम आपको 7 मिला, फिर अगर आप देखें तो ये सम आपका 7 है और आपके पास कोई भी दूसरा सम 7 नहीं है, तो आप अगर देखें तो 3
आपको पॉसिबल यहां पर फेवरेबल आउटकम्स मिल रहे। तो यहां पर अगर आप NA डिफाइन करते तो, या आप अगर लिखें कि इवेंट ए में क्या क्या चीजें पॉसिबल हैं, तो यहां से आपको दिख रहा है कि 16 का होना या फिर 25 का होना, और अगर आप देखें तो 34 का होना। ठीक है, ये आपके तीन पॉसिबल आउटकम्स इस केस में दिखे। तो अब यहां से फिर से अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिफाइन करते ऐसे, दैट इज NA अपॉन N, तो अगर आप फिर से यहां पर लिख दें कि NA मतलब इसके तीन फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो क्या ये आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे देगा? ये भी नहीं देगा। इट इज अगेन व्हाट, इट इज रॉन्ग। फिर से ये क्यों रॉन्ग हो गया? क्योंकि आपने दोनों डाई में डिफरेंशिएट नहीं किया। हो सकता है जो आपको एक बार 1-1 मिला हो, जैसे 1-2 मिला, फर्स्ट डाई पर 1 और सेकंड डाई पर 2, दूसरी बार हो सकता है सेकंड डाई पर आपका 1 आ जाए और फर्स्ट डाई पर आपके क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो उन कंडीशंस को भी आपको लेना पड़ेगा। तो इसलिए जब भी आप क्लासिकल डेफिनेशन को यूज करेंगे तो वहां पर सभी इवेंट्स का इक्यू प्रोबेबल होना वो हमारा मस्ट है। तो जो थर्ड कंडीशन जो करेक्ट आंसर होता है इसका, वो क्या होता? केस 3 अगर आप देखते, दैट इज अगर आप लेते मेकिंग सैंपल स्पेस विद डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन डाई, दोनों डाई को आप अलग अलग अगर सोच करके फिर आप देखते क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, तो यहां पर क्या क्या ऐड हो जाती है, यहां पर चीजें, ये जो आपने 2-1 स्किप कर दिया, यहां पर 2-1 ऐड हो जाता, यहां पर 3-1 और 3-2 ऐड हो जाता, यहां पर 4-1 4-2 4-3 ऐड हो जाता, यहां पर 5-1 5-2 5-3 5-4 ऐड हो जाता, और इसके केस में 6-1 6-2 6-3 6-4 6-5 ऐड हो जाता। तो अब उस केस में अगर आप देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ जो सैंपल पॉइंट्स आपको मिलेंगे सैंपल स्पेस में, वो यहां पर अब आपके ओवरऑल एन की वैल्यू मिलेगी 36, और उन 36 में से आपको फेवरेबल आउटकम्स जहां जहां पर सम 7 हो रहा है, अभी आपने दोनों डाई में डिफरेंशिएट नहीं किया। अब अगर हम देखते हैं इस केस में तो हमारे इवेंट में क्या क्या चीजें होती फेवरेबल, 16 आ जाए या 61 आ जाए, उनको हम अलग अलग काउंट करते हैं। ऐसे ही या तो 5-2 आ जाए या फिर 2-5 आ जाए, और 3-4 आ जाए या फिर 4-3 आ जाए। तो आप अब जब दोनों डाई को अलग अलग डिफरेंशिएट करके ले रहे हैं डिस्टिंग्विश करके, तो उस केस में आपके पास टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आर 6। तो अब इस केस में अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देखेंगे तो ये वैल्यू आपको दिख रही है 6/36। तो ये जो आपको रिजल्ट मिला 1/6, इट इज ओनली द करेक्ट रिजल्ट। ये आपका रिजल्ट क्या है? करेक्ट है, क्योंकि आपने जितने भी इक्वली प्रोबेबल कंडीशंस हो सकती थी उन सभी इक्वली प्रोबेबल कंडीशंस को एक फॉर्म सेट के फॉर्म में आपने सैंपल स्पेस लिया, जिसमें ओवरऑल आपको 36 इवेंट्स मिले। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद जो हमने डिफाइन किया कंडीशनल एंड ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज, तो उसके लिए फिर से देखिए, अब यहां पर इसको अच्छे से देखिएगा, अब ये चीजें आपको क्लियर होनी जरूरी है। तो अगर हम देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ज्वाइंट अकरेंस एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज, ठीक है, अब इसको हम केसेस में बांट देते हैं जिससे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सके। तो सपोज हमने पहला केस जो लिया, दैट इज केस 1, इफ वी आर परफॉर्मिंग 2 एक्सपेरिमेंट्स। देखिए केस 1 में हम क्या लेंगे कि अगर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखना चाहते हैं, मतलब एक पर दूसरे का डिपेंडेंसी अगर हम देखना चाहते हैं, तो हो सकता है कि एक ही एक्सपेरिमेंट के दो आउटकम्स के बीच में आप देख रहे हो, और यह भी हो सकता है कि दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट ही आप परफॉर्म कर रहे हो। तो अगर हम फर्स्ट केस ये ले रहे हैं परफॉर्मिंग 2 एक्सपेरिमेंट्स, अगर हमने 2 एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए हैं जिनके लिए अगर हमने मान लिया, दैट इज पर जो एक्सपेरिमेंट्स है वो क्या क्या है हमारे, अगर हमने मान लिया ए एंड बी हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं विद सैंपल स्पेसेस, अगर हमने ये डिफाइन कर दिया विद सैंपल स्पेसेस एस ए एंड एस बी, नाम दे देते हैं समझने के लिए बस एस ए एंड एस बी। तो अब अगर हमने मान लिया कि एस ए जो हमारा सैंपल स्पेस है जो इवेंट ए के लिए है, मतलब एक्सपेरिमेंट ए के लिए सैंपल स्पेस है, उसमें हमने मान लिया ए वन ए टू ए थ्री, ऐसे ही हमारे पास ये इसमें सैंपल पॉइंट्स हैं जो अपने आप में इवेंट्स होंगे, इनका कॉम्बिनेशन भी इवेंट होगा। इवेंट मतलब कोई भी सबसेट अगर आप सैंपल स्पेस का ले ले, सिर्फ ए वन भी एक इवेंट है, ए टू ए वन का कॉम्बिनेशन भी इवेंट है, ए वन ए टू ए थ्री का कॉम्बिनेशन भी इवेंट है। तो हमने ये भी देखा था कि अगर टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स आपके एन है तो 2 to the power n क्या होंगे, पॉसिबल नंबर ऑफ इवेंट्स होंगे, कितने तरह से हम इनका कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। तो एस ए में हमने ये वैल्यूज मान ली, अगर हमने मान लिया कि जो एक्सपेरिमेंट बी है उस एक्सपेरिमेंट बी में हमारे पास ये वैल्यूज हैं b1, b2,
B3, तो यहां से आपने ये डिफाइन किया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ज्वाइंट अकरेंस, पहले आपने देखा था अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ज्वाइंट अकरेंस, तो ये हमने लिखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ज्वाइंट अकरेंस मतलब इस सेकेंड इवेंट, ये हमारे पास दो इवेंट, दो एक्सपेरिमेंट्स हैं, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया हमने, तो हम ये मान रहे हैं कि इसमें हमारे पास अगर कोई एक आउटकम आ गया, सपोज B3 आ गया, तो इस B3 आने के बाद अगर हम दूसरे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट चेक करें तो क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर B3 इस इवेंट में से आया है, इस एक्सपेरिमेंट में से, तो दूसरे एक्सपेरिमेंट में से A2 आ जाए या कोई भी एक पर्टिकुलर इसका कोई एक सैंपल पॉइंट आ जाए, तो उसको आप नाम देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ज्वाइंट अकरेंस। तो अगर हम लिखते हैं दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इज इक्वल्स टू, ये आपने ऐसा लिखा था कि अगर हम इसको लिखें AI एंड BJ, मतलब एक्सपेरिमेंट ए में से AI का हो जाना, A1, A2, A3, इसमें से कोई भी AI की जगह आप नंबर चुन सकते हैं, जैसे A2 का हो जाना या A3 का हो जाना, ऐसे ही एक्सपेरिमेंट 2 में से किसका हो जाना, इसमें से जो सैंपल पॉइंट है आपका BJ उसका हो जाना, तो इन दोनों का एक साथ अपीयर होना, मतलब हमने दो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए हैं, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का आउटपुट AI आए और सेकेंड एक्सपेरिमेंट का जो हमारा रिजल्ट आए वो BJ आए, इसकी एक साथ होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इसको आप ऐसे भी लिखते हैं दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ AI एंड BJ, मतलब एक्सपेरिमेंट 1 में AI आए और एक्सपेरिमेंट उसके साथ साथ एक्सपेरिमेंट 2 में जो B एक्सपेरिमेंट है उसमें क्या है, BJ आए, और आपने इसको ये भी लिखा कि इसको हम नॉर्मली और क्या लिख सकते हैं, AI इंटरसेक्शन BJ लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ज्वाइंट अकरेंस। अब इसके बाद अगर हम इस चीज को लिखें, हमने ये देख लिया था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो फिर से हम उसको देख रहे हैं, ठीक है। तो उसमें आप बिल्कुल नोट करते चलिए, चीजें क्लियर हो जाएंगी जो भी आपके डाउट्स होंगे। तो नेक्स्ट अगर हम देखें, ठीक है, तो अब हम लिखते हैं अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये हम किसके केस में लिख रहे हैं, दो एक्सपेरिमेंट्स के केस में लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर हम यहां पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिफाइन करें, P BJ upon AI, यही लिखा था हमने कि अगर हम प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट 1 जो हमारा एक्सपेरिमेंट ए है उसमें से अगर हमें पता है कि उसका आउटकम AI आ चुका है, तो उसके बाद सेकंड एक्सपेरिमेंट में BJ हमारा आउटकम होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आपने ये लिखा था क्योंकि ये हमें पता है कि ये चीज हो चुकी है, इसको आपने क्या लिखा था, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ BJ while it is known that AI have occurred। ये हमारी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी BJ अपॉन AI, अपॉन नहीं ऑब्लिक का सिंबल है, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ BJ फॉर गिवन AI अगर हो चुका है तो उसके लिए BJ उसके साथ होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये आपने लिखा था कि अब क्योंकि AI हो चुका है, मतलब हमारा जो सैंपल स्पेस है अब वो सिर्फ AI तक कंफाइंड हो चुका है, क्योंकि AI हमारा सर्टेन इवेंट हो चुका है, वो तो ऑलरेडी अकर हो चुका है, हमें पता है। तो इसलिए हमने लिखा था जितने भी फेवरेबल आउटकम्स होंगे इस AI एक्सपेरिमेंट में, मतलब ये जो हमारा है, तो इसके लिए आपने लिखा था कि अगर हम इसको NI से रिप्रेजेंट करें, दैट इज नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट AI अकर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट ए, और इसको हमने क्या लिखा था यहां पर, जब हमारे ये दोनों एक साथ होते हैं उस नंबर को अगर हमने NIJ से लिखा था, तो ये NIJ क्या है, व्हेन AI एंड BJ अकर्स टुगेदर, जब जब AI और BJ एक साथ अकर हुए हैं, AI एंड BJ, ठीक है। और NI क्या है हमारा, दैट इज नंबर ऑफ टाइम्स AI अकर्स आउट ऑफ टोटल n नंबर ऑफ ट्रायल्स, यहां भी आप लिख सकते हैं आउट ऑफ टोटल n नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो ये NIJ अपॉन NI हमारे पास वैल्यू आ गई थी। फिर हमने कहा कि अगर हम इसको लिखना चाहें तो दोनों में हम IJ अपॉन N टोटल नंबर से डिवाइड कर सकते हैं अपॉन NI अपॉन N। तो यहां से हमने देखा था कि इस NI अपॉन N को हम क्या कह सकते हैं, इट इज ये हमारे दोनों के साथ में जब जब हमारा आउटकम क्या है, ये जब दोनों एक साथ अपीयर हो रहे हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स से अगर हम कर देंगे डिवाइड, तो ये हमें किसकी प्रोबेबिलिटी देगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ
AI, या तो हम लिखे AI, BJ, मतलब AI और BJ के एक साथ होने की कंडीशन, या उसी को हमने लिखा और क्या लिख सकते हैं हम AI इंटरसेक्शन BJ और डिवाइडेड बाय ये NI अपॉन N, मतलब जितनी बार आपका एक्सपेरिमेंट AI एक्सपेरिमेंट A में से आपका आउटकम NI आया, AI आया है, तो NI अपॉन एक N को हमने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ AI। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट, ये पहला रिजल्ट। इसी तरह आपने लिखा था कि जैसे हमने लिखा है ये BJ अपॉन AI की वैल्यू, ऐसे ही बिल्कुल आप लिख सकते थे कि अगर हम क्या कंसीडर करते प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर हम लिखते AI अपॉन BJ, मतलब अगर आपको पता हो कि BJ इवेंट हो चुकी है वैल्यू, तो यहां से आप क्या लिखते फिर से अगेन सैंपल स्पेस आपका क्या होता, जितने टाइम्स हमारा BJ एक्सपेरिमेंट अकर हो रहा है, BJ इवेंट अकर हो रहा है, मतलब NJ, और इसमें हम टोटल इन दोनों का इंटरसेक्शन देखते हैं कि कब कब AI और BJ हमारे साथ में हो रहे हैं। तो हम यहां पर फिर से क्या लिखते हैं NIJ अपॉन NJ। पहले हमने देखा कि AI हो चुका है, इसलिए हमने यहां पर क्या लिया सैंपल स्पेस में जितने टाइम्स AI एक्सपेरिमेंट AI इवेंट हमारा अगर हो रहा है, यहां पर हम क्या लिया अगर हमने BJ हो चुका है तो यहां पर सैंपल स्पेस में क्या लिया हमने जितने नंबर ऑफ टाइम्स BJ अकर हो रहा है, और न्यूमरेटर में क्या हमारा जब दोनों साथ में होते हैं AI और BJ दोनों के साथ होने को नंबर को हमने क्या नाम दिया NIJ। फिर से अगर आप इसको N से डिवाइड करते तो ये चीज क्या मिल जाती है आपको, अगेन चाहे आप AI इंटरसेक्शन BJ लिखें या BJ इंटरसेक्शन AI लिखें, वो चीजें सेम होंगी। तो इसलिए हम फिर से इसको ऐसा लिख लेते हैं AI इंटरसेक्शन BJ और डिवाइडेड बाई क्या है अब आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ BJ, ठीक है। तो इन दोनों ही एक्सपेरिमेंट से जो चीजें हमें कॉमन मिली उसको हमने लिखा यहां पर। तो अभी हम दो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स को लेकर चल रहे हैं, और उसके लिए अगर एक एक्सपेरिमेंट का आउटकम हम डिफाइन कर दें कि ये आउटकम आ चुका है, तो दूसरे एक्सपेरिमेंट में से एक पर्टिकुलर आउटकम के आने की हम प्रोबेबिलिटी यहां पर ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में हम डिफाइन कर, ठीक है। तो एक बार ये चीजें आपको क्लियर हो जाए उसके बाद आपको आगे इनका बहुत एप्लीकेशन है, इसलिए हम इस पर स्ट्रेस दे रहे हैं और फिर से हम इसको कर रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको 10 मिनट्स और, लेकिन आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इन दोनों को हम देख कर कह सकते हैं, अगर मान लीजिए हमने अभी लिखा, फिर से लिख लेते हैं हम BJ अपॉन AI, ये जो वैल्यू आपको मिली दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटरसेक्शन BJ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ AI, और सेकंड आपको मिली वैल्यू AI फॉर गिवन BJ इज इक्वल्स टू अगेन AI BJ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ BJ। तो इन दोनों से अगर हम AI इंटरसेक्शन BJ की प्रोबेबिलिटी देखें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटरसेक्शन BJ ये वैल्यू यहां से क्या होती वैल्यू, ये P BJ अपॉन AI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ AI, और यहां से यही वैल्यू आपको क्या मिलती P AI अपॉन BJ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ BJ। ये फर्स्ट हमने लिखा था यहां से कंक्लूजन, और सेकंड हमने लिखा था कि अगर हमें यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ AI अपॉन BJ ये चीज अगर हमें फाइंड करनी है, तो इन्हीं दोनों के रिलेशन से हम ऐसा लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ BJ AI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ AI एंड डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ BJ। ये हमारे पास दो रिजल्ट्स, ठीक है, ये हमारे पास दो रिजल्ट्स थे, जिसमें से हमने ये भी कहा था कि इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम बेस थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, ये चीज़ हमने देखी थी। तो आगे हम इसका दूसरा फॉर्म भी जो हमने कन्वर्ट किया तो उसको भी देख लेंगे अभी। तो यहाँ से एक चीज़ आपको क्या दिख रही है, जब भी आपको AI इंटरसेक्शन BJ चाहिए तो आप दो कंडीशंस ले सकते हैं। अगर आपने क्या लिखा BJ अपॉन AI लिखा प्रोबेबिलिटी, तो मल्टीप्लाई किससे होगा जो डिनोमिनेटर में है AI से। अगर आपने AI अपॉन BJ लिखा तो किससे मल्टीप्लाई होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ BJ से मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ही। तो अब यहां से अगर हम डिफाइन करें, दैट इज अगर हम लिखना चाहते हैं टू इवेंट्स आर सेट टू बी इंडिपेंडेंट, इवेंट्स को आप इंडिपेंडेंट कब कहेंगे, अगर आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं, मतलब अगर आप ये लिख रहे हैं कि अगर हमें क्या प्रोबेबिलिटी चाहिए AI हो चुका है उसके केस में BJ हो जाए दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या प्रोबेबिलिटी है, तो अगर ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, अगर BJ का अकर होना AI पर अकर होने पर डिपेंड नहीं करता, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपके एक एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट AI है
या आपका कुछ और है, हमेशा बीजे की जो प्रायोरिटी होगी वो इससे इंडिपेंडेंट होगी। तो इसलिए अगर आपके दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो ये जो कंडीशनल प्रायोरिटी हमने लिखी है बीजे अपॉन एआई, ये किसके बराबर होना चाहिए? जो इस बीजे की प्रायोरिटी, क्योंकि वो एआई के होने या ना होने पर डिपेंड नहीं करता। तो इसलिए आप दो इवेंट्स को इंडिपेंडेंट कब कहेंगे? इफ, अगर हम लिख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बीजे अपॉन एआई, तो ये वैल्यू हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होनी चाहिए, बीजे के बराबर। या फिर आप अगर लिखें प्रोबेबिलिटी ऑफ एआई अपॉन बीजे, तो ये हम किसके होने की प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं? एआई के होने की प्रोबेबिलिटी हम देख रहे हैं। और हमने क्या कहा कि बीजे ऑलरेडी अकर हो चुका है, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है। बीजे अगर नहीं भी हुआ होता, अगर ये इंडिपेंडेंट है इस बीजे से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती? एआई के बराबर होती। ठीक है, ये चीज अब देखिए जो आपने लिखा है, एक्चुअल वैल्यू क्या थी इसकी? इसकी एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए थी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एआई अपॉन बीजे इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, दैट इज ये जो आपने लिखी चीज, इसको इस फॉर्म में अगर हम लिखते हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एआई इंटरसेक्शन बीजे डिवाइडेड बाय, आपने लिखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ एआई, जो भी यहां पर डिनोमिनेटर में था यही चीज यहां भी आती है। हमने इसको सैंपल स्पेस मान लिया और दोनों के एक साथ होने की कंडीशन में हमने इसे डिवाइड कर दिया। तो अगर ये रिलेशन फॉलो हो रहा है, या फिर यहां से भी अगर आप देखें, तो इसको क्या लिखते थे हम, एआई अपॉन बीजे को सैंपल स्पेस प्रोबेबिलिटी ऑफ बीजे, और यहां ऊपर क्या लेना आपको, इन दोनों का इंटरसेक्शन, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एआई इंटरसेक्शन बीजे। तो अगर आप इन दोनों रिजल्ट से देखें, अगर आप सिर्फ इतने को पोर्शन को देखें अगर, कि हमारी ये वैल्यू सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो यहां से क्या दिख रहा है आपको, इन दोनों से अगर आप फाइंड करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एआई इंटरसेक्शन बीजे की वैल्यू क्या होती, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीजे इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एआई। यहां से भी क्या होती वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीजे इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एआई। मतलब अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो उस केस में वी कैन राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ एआई इंटरसेक्शन बीजे इज प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज एआई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बीजे। तो ये हमारी चीज इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे यूज करेंगे। और एक और चीज क्या याद रखनी है आपको इंडिपेंडेंस के केस में, अगर कोई आपका मेमोरीलेस आपका सोर्स है, कोई मेमोरीलेस है सोर्स है जो मैसेजेस जनरेट कर रहा है, जो मेमोरीलेस है मतलब पहले की वैल्यूज से उसको कोई मतलब नहीं है, उस पर डिपेंडेंसी अगर नहीं है, तो उस केस में हर अलग अलग टाइम इंस्टेंस पर वो जो जनरेट करेगा मैसेज सिग्नल्स, वो सभी आपस में एक दूसरे से क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। तो यहां पर एक पॉइंट क्या लिख सकते हैं आप, कि मैसेजेस या फिर आप कहें सैंपल पॉइंट्स, ठीक है, इसको हम सिंबॉल्स लिख लेते हैं, सिंबॉल्स जनरेटेड एट different time instants by a memoryless source are independent of each other। ठीक है, तो ये हमने अभी हमने दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स को हमने कंसीडर किया। उन एक्सपेरिमेंट्स के लिए हमने देखा, एक एक्सपेरिमेंट का आउटपुट अगर हमें पता है कि बीजे आ चुका है तो दूसरे एक्सपेरिमेंट में एआई आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? या एक एक्सपेरिमेंट में पहले हमें पता है कि एआई आ चुका है तो उसके साथ दूसरे एक्सपेरिमेंट में बीजे आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी? तो आपने उसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज के नाम से डिफाइन किया। ठीक है, अब अगर हम एक एक्सपेरिमेंट में दो इवेंट्स को हम देखें इसी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के थ्रू, तो वो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब हम उसको देखते हैं कि अगर हम एक्सपेरिमेंट एक ही रखें और उसके दो पॉसिबल आउटकम्स के बीच में अगर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को देखना चाहें, तो नेक्स्ट हम उसको करेंगे अभी। तो नेक्स्ट हमने क्या लिया, केस टू में हम क्या ले रहे हैं, फॉर अ सिंगल इवेंट विथ सैंपल स्पेस एस एंड टू सिंगल, एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल एक्सपेरिमेंट। अब हम एक ही एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, अगर हमने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका टोटल सैंपल स्पेस किससे डिफाइंड है, एस से डिफाइंड है, और उसमें हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, एंड टू इवेंट्स इन दैट सैंपल स्पेस एस आर ए एंड बी। अगर हम ये दो इवेंट्स ले लें
ए और बी क्या है हमारे, उसी सैंपल स्पेस में से ही कोई होंगे इवेंट्स हमारे, जो आउटकम होगा सैंपल स्पेस का जितना टोटल आउटकम उसी में से कुछ के कॉम्बिनेशन से ए और बी बने होंगे। तो डेफिनेटली आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, ए मस्ट बी सबसेट ऑफ एस एज वेल एज बी सबसेट ऑफ एस। अगर इसी सैंपल स्पेस के दो इवेंट्स हमने लिए हैं तो दोनों ही क्या होंगे, उसके सबसेट्स होंगे, ठीक है ये चीज। अब अगर यहां पर आप डिफाइन करना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी व्हाइल इट इज नोन दैट इवेंट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, मतलब अगर अब आप देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी आपको किसकी देखनी है, अगर आपका इवेंट ए हो चुका है ये आपको पता है और फिर आपको देखना है कि उसके साथ साथ सैंपल स्पेस का बी इवेंट भी हो गया हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो फिर से जैसे आपने पहले यूज किया, आपका सैंपल स्पेस क्या होगा, जो इवेंट हो चुका है मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, क्योंकि इवेंट ए तो हो चुका है, इसी में से कुछ फेवरेबल कंडीशंस होंगी जिसमें हमारा बी भी साथ में हो रहा होगा, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जब जब ए और बी साथ में हो जाए ये प्रोबेबिलिटी ये हमारे लिए क्या है, फेवरेबल कंडीशंस हैं, और उसमें से जब सिर्फ ए हुआ हो ये टोटल सैंपल स्पेस से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमें ये प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो ये हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बी ऑब्लिक ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी व्हाइल इट इज नोन दैट इवेंट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। ऐसे ही अगर आप यहां से लिखते प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ए ऑब्लिक बी, तो ये वैल्यू क्या होती, अब यहां सैंपल स्पेस है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और दोनों का इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या आपके लिए फेवरेबल कंडीशंस हैं। तो अब इन दोनों से अगर आप फिर से देखते तो आपको इन दोनों से ही क्या दिख रहा है, या तो हम क्या लिख सकते थे, दैट इज अगर हम लिखना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर इस इक्वेशन से लिखते तो क्या लिख सकते थे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बिल्कुल वैसे ही जो डिनोमिनेटर में उसे मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर आप और इसको कैसे लिख सकते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी मल्टीप्लाइड विद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये फिर से हमारे पास रिजल्ट्स आ गए। अब इसी में हम और क्या लिख सकते हैं, अगर इन दोनों को अगर हमने कंपेयर किया, इन दोनों से अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी देखें, तो यहां से हम और क्या लिख सकते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी, कि हमें पता है इवेंट बी हो चुका है तो ए के होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो यहां से आप अगर देखें इस प्रोबेबिलिटी को हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए पी ए डिवाइडेड बाई पी बी, ठीक है। तो ये भी दो चीजें हम देख चुके हैं। तो हमने दो एक्सपेरिमेंट लिया उसके केस में भी, और अगर एक ही एक्सपेरिमेंट में दो इवेंट्स हैं तो उनके लिए भी ये दोनों चीजें ये हमारी वैलिड हैं। तो ये हमारा रिजल्ट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। अब हम देखते हैं जैसे यहां पर भी अगर आप देखें कि अगर हम कहें कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो फिर से यहां पर क्या होगा, इफ या फिर आप लिखें ऐसे कि ए एंड बी आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट, इफ अगर क्या हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो ए का होना बी के होने या नहीं होने से इफेक्टेड नहीं होगा। तो भले ए हुआ बी हुआ हो या नहीं हुआ हो, ये जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा किसके बराबर होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, ए के होने की प्रोबेबिलिटी वेल इट इज नोन दैट बी हैज अकर्ड, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी हमेशा किसके बराबर होगी, इस ए के ही बराबर होगी अगर ए का होना बी पर डिपेंड नहीं करता तो। और ऐसे ही आप लिखते प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, ये वैल्यू किसके बराबर होती, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर, क्योंकि ए का होना या नहीं होना उससे बी को अफेक्ट नहीं होता। तो अगर आप यहां से देखें तो फिर से ये चीज किसके बराबर होनी थी, ये चीज हमारी बराबर होनी थी पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए के बराबर, पी बी के बराबर, यहां से पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, और यहां से ये वैल्यू किसके बराबर होनी थी, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। तो ये अगर हम दोनों चीजों को देखें तो दोनों ही एक्सप्रेशन से हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये चीज हो गई क्लियर। तो चाहे आप दो एक्सपेरिमेंट्स लें या एक ही एक्सपेरिमेंट के दो आउटकम्स को देखें, तो ये रिलेशन हमारी जॉइंट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की रिलेशन ये सेटिस्फाई होगी। अब अगर हम यहां पर कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करना चाहेंगे जो भी चीजें हमने लिखी हैं, जैसे हमने कंक्लूजन क्या देखा कि अगर इंडिपेंडेंट हम कब कहेंगे, जब हमारी ये प्रोबेबिलिटी पी ए के बराबर हो जाए, बी अपॉन ए की प्रोबेबिलिटी पी बी के बराबर हो जाए। तो ऐसे ही अगर हम ये जो लिख रहे हैं रिजल्ट, अगर हम इसी रिजल्ट से कंक्लूड करना चाहें, ये जो रिजल्ट हमने लिख रखे हैं अगर आप इनसे कंक्लूड करेंगे, क्योंकि ये जो प्रोबेबिलिटीज हैं, अगर आपने कह दिया कि ये प्रोबेबिलिटीज हैं, इसका क्या मतलब हुआ, ये हमेशा जो भी एग्जाम्स आपने पढ़े हैं प्रोबेबिलिटी के उसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो जीरो और वन के बीच में होगी। इसके बाद अगर हम
जो भी इसमें देखते थे हम कि नॉन नेगेटिव नंबर होगा, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, वो सभी चीज़ें अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके देखना चाहें तो देखिए हमने सिंपली क्या देखा अभी दोनों ही केसेस में कि जो डी अपॉन ए ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी इन दोनों का इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी और डिवाइडेड बाई ये जो डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा टर्म उसकी प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ भी इन दोनों का इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटीज का और डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब इसी में हम कंक्लूजन की जो बात कर रहे हैं दैट इज उसको हम थोड़ा सा देखते हैं, फिर हम जो बेस थ्योरम हमने देखा था उसको हम फिर से देख लेंगे। तो यहां पर अब आप नेक्स्ट लिख रहे हैं कुछ कंक्लूजन्स के बारे में। अगर हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी, अगर बी सबसेट हो ए का तो ए इंटरसेक्शन बी के आएगा। अगर हम कहें इवेंट ए में हमारे पास 1, 2, 3, 4 है और इवेंट बी में सिर्फ 2 है, मतलब इवेंट बी इवेंट ए का सबसेट है, तो अगर 2 का इंटरसेक्शन 1, 2, 3, 4 के साथ देखेंगे तो सिर्फ क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। इसका मतलब अगर कोई बी हमारा ए का सबसेट है तो ए और बी का जो इंटरसेक्शन होगा वो हमेशा बी के ही बराबर आपको मिलेगा, ठीक है। ये तो इसी से रिलेटेड हम यहाँ पर कंक्लूजन लिखेंगे अपना। तो देखते हैं हम इसको, ये हमने लिख लिया अभी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, ये हमने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब अगर हम केस 1 ले, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, अगर हम ये मान लें कि ए में जितने भी हमारे पॉसिबल आउटकम्स हैं वो सभी हमारे क्या हैं, बी में भी आते हैं, मतलब बी का ही एक सबसेट क्या हमारा ए। उस केस में अगर ए सबसेट है बी का, जैसे अभी हमने बात की, सपोज हमारे पास ए में 1, 2 है और बी में 1, 2, 3, 4 है, तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा ए इंटरसेक्शन बी वो आपको क्या दिख रहा है, 1, 2 दिख रहा है, मतलब आपको क्या वैल्यू मिलेगी, इस सेट ए की वैल्यू मिलेगी। तो इसलिए अगर ए इंटरसेक्शन ए अगर सबसेट है बी का तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओनली, क्योंकि अगर आप इंटरसेक्शन देखेंगे तो वो ए के ही बराबर होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो अगर हम इसको यूज करें यहां तो क्या लिख सकते हैं, हम इसकी जगह हमने ले लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन हमने ले लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। ये चीज इसकी जगह हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख दिया। अब आपको ये पता है कि ये दोनों प्रोबेबिलिटीज हैं, अगर ये दोनों प्रोबेबिलिटीज हैं तो ये भी चीज 1 से छोटी या 1 के बराबर होगी, ये भी चीज 1 से छोटी या 1 के बराबर होगी। तो इसलिए अगर आप इनका रेशियो देखें, हमने कहा अगर प्रोबेबिलिटी पी ए, अगर हम मान लें कि पी ए की वैल्यू कितनी है 0.3 और पी बी की वैल्यू कितनी है 0.1, तो अगर इनका हम रेशियो देखेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें, दैट इज पी ए अपॉन पी बी अगर आप देखेंगे तो 1 से बड़ी ही आपको वैल्यू मिलेगी। तो अगर इसलिए यहां से हम देखें तो ये वैल्यू हमारी क्या होगी, इससे बड़ी वैल्यू आपको हमेशा मिलेगी, इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू व्हाट पी ए। आपको इसको नहीं देखना, आपके सिर्फ एग्जांपल के लिए हमने लिया था, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपकी कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। तो यहां पर आपको जो वैल्यू मिलेगी वो इससे डेफिनेटली बड़ी मिलेगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, पी बी से डिवाइड कर रहे हैं, तो पी बी हमेशा ये जो वैल्यू होगी हमारी, क्योंकि इसी में से आप देख रहे हैं, तो ये चीज 1 से छोटी है, 1 से छोटी चीज से पी ए में डिवाइड किया तो जो वैल्यू मिलेगी वो पी ए से क्या मिलेगी, आपको बड़ी मिलेगी। केस 2 अगर आप देखें यहीं पर, सपोज हमने ले लिया केस 2, इफ बी इज सबसेट ऑफ ए, अगर बी ए का सबसेट है तो उस केस में ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फॉर गिवन बी आएगी वैल्यू क्या होगी वैल्यू। अब अगर बी सबसेट है ए का, मान लीजिए आप कह रहे हैं कि आपके पास एक बी सेट है और ये एक ए सेट है, अगर हम इसको क्या लिख लें, ये हमारा ए है और ये क्या हमारा बी है। अब अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन किसके बराबर होगा, अभी भी जो छोटा सेट है, जो सबसेट है, जो उसी के बराबर आपका इंटरसेक्शन आएगा। तो अगर बी अगर हमारा सबसेट है ए का तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू किसके बराबर आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर आएगी, क्योंकि बी हमारा एक में से ही कुछ सैंपल से बना हुआ है, तो जब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो सिर्फ बी मिलेगा और उसकी प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय आपके पास ये भी क्या था, डिनोमिनेटर में भी क्या था, बी था। तो अब ये पी बी अपॉन पी बी मतलब ये चीज क्या हो जाएगी, ये आपकी वैल्यू 1 हो जाएगी, मतलब इसको आप क्या कहेंगे, इन दैट केस इट इज सर्टेन इवेंट, इट इज सर्टेन। अगर प्रोबेबिलिटी 1 आ गई इसका मतलब आप वैसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए हम एग्जांपल्स देख लेते हैं तो ये चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी। तो यहां से आपको ये समझना है कि अगर हम
पी लिख रहे हैं ए अपॉन बी या फिर पी बी अपॉन ए लिख रहे हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है या कैसी भी है, लेकिन अगर प्रोबेबिलिटीज अगर ये हैं तो हमेशा ये वैल्यूज क्या होनी चाहिए, इट मस्ट बी अ नॉन नेगेटिव नंबर, ये जीरो से बड़ी होनी चाहिए। अगर हम यहीं पर एक और केस देख लें, सपोज हमने लिख दिया केस थ्री, इफ हमें क्या देखना है, सैंपल स्पेस अगर हमें देखना है एस अपॉन बी, अगर हमने कहा बी हो चुका है तो एस के होने की क्या प्रोबेबिलिटी। तो ये सेम कंडीशन अगर आपने क्या मान लिया था कि अगर हमने ये मान लिया कि बी हमारा ए का सबसेट है, तो यहां भी आपको दिख रहा है कि बी है और ये सैंपल स्पेस है, ए की जगह पर हमने सैंपल स्पेस रख दिया, तो हमेशा ही इवेंट बी सैंपल स्पेस का तो सबसेट होगा ही, तो अगर ये सबसेट है सैंपल स्पेस का तो इसलिए आपकी इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या मिलेगी, आपको वन मिलेगी। तो ये चीज आप समझ सकते हैं। तो यहां से हमारे पास एक कंक्लूजन ये आ रहा है, सेकंड कंक्लूजन क्या है, अगर हम पी एस अपॉन ए लें या एस अपॉन बी लें, ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी, हमेशा वन होंगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन हम कैसे लिखते हैं, और ये हमारे केसेस अगर एक दूसरे के सबसेट के फॉर्म में अगर हम देखना चाहते हैं तो कैसे हम इससे कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, ये हम समझ सकते हैं यहां से। अब हमने जो ये दो एग्जांपल्स लिए, अगर हम इनको अभी जो हमने दो केसेस लिए हैं कि शुरू में हमने देखा कि दो एक्सपेरिमेंट अलग अलग परफॉर्म कर रहे हैं, और फिर हमने देखा एक ही एक्सपेरिमेंट के हम दो आउटकम्स को अगर देख रहे हैं, तो अगर हम केस वन का एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल फॉर केस वन, अगर हमने माना कि हमारे पास टू एक्सपेरिमेंट्स हैं, बस इस एग्जाम्पल के बाद फिर हम अपना जो कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीजों का एप्लीकेशन देखेंगे कि हम क्यों पढ़ रहे हैं चीजें, कैसे हम इनको अप्लाई करने वाले हैं। तो अगर आप टू एक्सपेरिमेंट्स देख रहे हैं, या अगर आप ये एक्सपेरिमेंट ठीक है अभी भी देख सकते हैं आप इसको, तो टू एक्सपेरिमेंट्स में से हमारा एक्सपेरिमेंट वन है, सपोज ये एक्सपेरिमेंट वन है आपका, दैट इज टॉसिंग अ क्वाइन, और एक्सपेरिमेंट टू ले लिया आपने, दैट इज रोलिंग अ डाई। अगर हम एक क्वाइन को टॉस कर रहे हैं और हम एक डाई को रोल कर रहे हैं, इसके केस में अगर आपको प्रोबेबिलिटी देखनी है, मतलब अगर हम इसको इवेंट, अगर हम इसको एक्सपेरिमेंट नाम दे वन, तो उसके केस में सैंपल स्पेस क्या है हमारा, एस वन, इसके केस में हमारे पास सैंपल स्पेस है हेड और टेल। क्वाइन जब आप टॉस करेंगे तो दो ही कंडीशंस होंगी, और जो सेकंड एक्सपेरिमेंट है आपका उसके लिए सैंपल स्पेस क्या है हमारा, 1 से लेकर 6 तक वैल्यूज, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब अगर हमें यहां पर देखना है, अगर हम कहें कि हमारे पास इन दोनों एक्सपेरिमेंट में से हमें अगर फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर हम कहें कि इवेंट, हमने यहां पर दो इवेंट्स भी डिफाइन कर दिए, अगर हमने इवेंट्स क्या डिफाइन कर दिए, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए अगर हम यहां पर इवेंट डिफाइन कर दें, इवेंट वन, इवेंट ई वन, दैट इज आउटकम, कुछ भी ले सकते हैं आप, दोनों में से दो ही आपके पास पॉसिबल आउटकम्स होंगे, जब ये हमारा टॉस कर रहे हैं हम, तो सैंपल स्पेस में हमने लिख लिया हेड और टेल है, तो दोनों में से कोई एक को आप इवेंट मान लें, अगर हमने इवेंट वन क्या मान लिया, आउटकम इज हेड, और सेकंड में हमने जो सेकंड एक्सपेरिमेंट किया रोलिंग ऑफ अ डाइस, उसके लिए हम क्या मान लें, इवेंट अपीयरेंस, कोई भी इवेंट ले लेते हैं हम, ऑफ इवन नंबर। मतलब अगर हम यहां से देखें तो इवेंट वन में हमारे पास एक ही एलिमेंट है, दैट इज हेड, और इवेंट टू जो आप ले रहे हैं वो कब कब सक्सेसफुल माना जाएगा, या तो आपने डाई को रोल किया और उसमें 2 आ जाए 4 आ जाए या 6 आ जाए, तो इन तीनों कंडीशंस में हम कहेंगे इवेंट टू अकर हो गया, और अगर टॉसिंग में हेड आया तो हम कहेंगे इवेंट वन अकर हो गया। तो अब अगर आपसे प्रोबेबिलिटीज पूछी जाए, सपोज हमारे पास हमें फाइंड करना है, टू फाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ हेड व्हाइल इट इज नोन दैट, यहां पर हम इसको ई टू ई वन के फॉर्म में लिख देते हैं, E1, E2, मतलब अगर हमें पता है कि इवेंट E2 हो चुकी है, मतलब क्या हो चुका है, हमने जो डाई रोल किया उसमें से 2, 4 या 6 में से ही कोई एक चीज आई है, ये सर्टेन है हमें, ये चीज पता है हमें, तो उसके साथ देखना है कि जो दूसरा एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया था रोलिंग टॉसिंग ऑफ अ क्वाइन, उस क्वाइन में हेड आया हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहां पर आपने लिखा ये क्या हमारा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हेड इन एक्सपेरिमेंट वन व्हाइल इवन नंबर अपीयर्ड
ऑन डाई। इवेंट नंबर आ चुका है ये पता है, उसके केस में हमें देखना है कि हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अगर आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के स्टेटमेंट को यूज करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन फॉर गिवन ई टू इज गिवन एज वॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन इंटरसेक्शन ई टू डिवाइडेड बाई जो पहले हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू। तो ये चीज मिल जाएगी आपको। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू तो आप सिंपली फाइंड कर सकते हैं, ई टू के होने की प्रोबेबिलिटी, ई टू के लिए सैंपल स्पेस क्या है, एस वन जो आपने एस टू लिखा है दैट इज वन से लेकर सिक्स तक कोई भी फेस आ सकता है, उसमें से अगर ई टू हो चुका है तो यहां से आपको क्या चीजें पता है, आपको ये पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू दैट इज पॉसिबल आउटकम्स, क्योंकि ये सभी इक्वली लाइकली है, अगर आपने फेयर डाई को रोल किया है तो इन तीनों के आने की प्रोबेबिलिटी सेम है और बाकी जितने भी फेसेस हैं सबके आने की प्रोबेबिलिटी सेम है 1/6 के बराबर। तो अगर हम तीन पॉसिबल हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3 upon टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज 6, तो ये वैल्यू कितनी हमारी 1/2, ठीक है। ये अगर हम कहें इवन के होने की क्या प्रोबेबिलिटी, हमने कॉइन टॉस किया और उसमें हेड आ जाए, ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इज वॉट, हेड अपॉन हेड प्लस टेल दैट इज दो पॉसिबल आउटकम्स, तो ये वैल्यू भी हमारी कितनी है 1/2 है। अब अगर हमें ये इवन इंटरसेक्शन ई टू देखना है तो कैसे देखें हम इवन इंटरसेक्शन ई टू, जब ये दो डिफरेंट सैंपल स्पेसेस हैं और उसके बीच में अगर आपको इंटरसेक्शन देखना है तो आपको टोटल पॉसिबल कंडीशंस देखनी होंगी कि कितनी कंडीशंस पॉसिबल है जब आप एक डाई को रोल करेंगे और एक कॉइन को टॉस करेंगे तो पॉसिबल कंडीशंस क्या क्या हैं। अगर आपको ये देखना है तो इसके देखने के लिए जो ओवरऑल कंडीशंस पॉसिबल है, पॉसिबल कलेक्टिव आउटकम अगर आप उसको कहें, कलेक्टिव आउटकम्स, तो ये क्या चीजें पॉसिबल है देखिए, क्या हो सकता है, या तो मान लीजिए हम कि हमारे हेड, अगर हम कॉइन टॉस करते हैं तो उसमें हेड आया तो हेड के साथ क्या क्या चीजें आ सकती हैं, सेकंड एक्सपेरिमेंट में या तो वन आया हो, या तो हेड के साथ टू आया हो, हेड के साथ थ्री आ सकता है, हेड के साथ फोर आ सकता है, आपके पास फाइव आ सकता है एंड सिक्स आ सकता है। और ऐसे ही हो सकता है कि आपके कॉइन के एक्सपेरिमेंट में आपको टेल मिला हो तो टेल के साथ वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, इतनी चीजें पॉसिबल हैं। तो अगर आप देखें कि आप क्या लिख रहे हैं कि हमारे पास ये पता हमें कि E2 एक्सपेरिमेंट हो चुका है, ठीक है, E2 एक्सपेरिमेंट हो चुका है, मतलब E2 का मतलब क्या है, इवन नंबर्स का आना, डाई पर इवन नंबर का आना। तो इवन नंबर डाई में कहां कहां दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है 2 आया है, यहां दिख रहा है आपको 4 आया है, ये 6 आया है, यहां भी आपको दिखा 2, 4 एंड 6, मतलब टोटल जो इवन नंबर का आना ये आपको दिख रहा है, ये हमारे पास कितनी कंडीशंस हो सकती हैं, टोटल 6 कंडीशंस हो सकती हैं। अब इन 6 कंडीशंस में से आपको इंटरसेक्शन देखना है कि ये तो ठीक है कि इवन नंबर आए डाई पर, उसके साथ साथ क्या है हमारा जो हम देख रहे हैं कि इवन इवेंट, इवन इवेंट का मतलब हेड का होना, तो इस 2, 4, 6 के साथ कहां कहां हेड आया है। तो अगर आप 2, 4, 6 के साथ हेड्स को देखेंगे तो एक यहां आपको दिख रहा है हेड आया है, एक ये 4 के साथ आपको दिख रहा है ये हेड आया है, उसके बाद फिर आपको ये दिख रहा है 6 के साथ, ये आपका हेड अगर हम देख रहे हैं तो हेड हमारा और कहां पर है, ये हेड 2 के साथ, ये हेड 4 के साथ, और फिर ये आपको हेड दिख रहा है ये 6 के साथ, ठीक है ये चीज। तो अब आप देख रहे हैं कि दोनों का इंटरसेक्शन अगर हम लेना चाहते हैं, मतलब अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटरसेक्शन ई टू देखना चाहते हैं तो उसके लिए तीन कंडीशंस पॉसिबल, ठीक है, ये तीन कंडीशंस पॉसिबल हैं। और किस में से पॉसिबल की हम बात कर रहे हैं, मतलब ओवरऑल हमारे पास 2, 4, 6 में तो हमारे पास टोटल 6 कंडीशंस थी, लेकिन यहां पर सिर्फ 3 पॉसिबल कंडीशंस हैं। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने दिख रहे हैं आपको, ये टोटल कितने नंबर्स हैं, 6 + 6, मतलब टोटल कितनी है वैल्यू, 12 है। तो यहां पर अगर आप देखते तो ये पी इवन इंटरसेक्शन ई टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटरसेक्शन ई टू क्या होती वैल्यू, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आर 3, ये हमें दिख रहा है 3 ऐसे केसेस जिसमें हेड भी आया है और 2, 4, 6 भी कुछ आया है, तो ये 3 और डिवाइडेड बाय अगर आप टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स देख रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, ये हमारे पास है 12, तो यहां से क्या वैल्यू मिली आपको, 1/4 मिली। तो अब यहां से आप क्या क्या चीजें देख सकते हैं, पहली चीज तो आप ये प्रोबेबिलिटी आप फाइंड कर सकते हैं, क्या वैल्यू होगी इस प्रोबेबिलिटी की, इवन इंटरसेक्शन ई टू इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4, ये अभी आपने देखा इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, और पी ई टू इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2, तो 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2 दैट इज व्हाट, 1/2। तो यहां से आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन फॉर गिवन ई टू ये आपको वैल्यू कितनी मिली, 1/2 मिली। तो अब हम अगर यहां से देखकर बताना चाहें कि ये जो दो इवेंट्स हैं ये इंडिपेंडेंट है या नहीं, ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट आपको देखने में तो समझ में आ रहा है,
अब आपको अगर देखना है कि ये चीज सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही, अभी जो हमने इवेंट के इंडिपेंडेंट होने की कंडीशन लिखी, तो अगर हम यहां से देखते हमारे ये जो वैल्यू है पी ई वन इंटरसेक्शन ई टू की, अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो ये वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होनी चाहिए। तो यहां से आपको दिख भी रहा है कि अगर हम पी ई वन इंटरसेक्शन ई टू की वैल्यू को देखें तो ये इन दोनों के प्रोडक्ट्स के बराबर है, ये दिख रहा है आपको। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। तो यहां से हम लिख सकते हैं सिंस पी ई वन इंटू पी ई टू इज इक्वल्स टू 1/4 विच इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन इंटरसेक्शन ई टू, देयरफॉर वी कैन से दैट इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। तो इसलिए यहां पर आपने कंडीशनल जो प्रोबेबिलिटी यूज की वो दो एक्सपेरिमेंट के, दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट के इवेंट्स के बीच में हमने कंडीशंस देखा, ठीक है। अब अगर हम एक कंडीशन लें जिसमें एक ही एक्सपेरिमेंट हम लें और उस एक ही एक्सपेरिमेंट के दो इवेंट्स को हम अलग अलग देखते हुए उसके लिए अगर हम कंडीशंस देखें, तो अब उसको देखते हैं हम सेकेंड एग्जाम्पल में, फिर हम इसको आगे थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। इसमें और क्या पूछा जा सकता था आपसे, एक बार और देख लीजिए। अगर इसी में हमसे पूछा जाता, लेट्स से वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू अपॉन ई वन, तो ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये इसलिए लिख रहे बार बार कि आप एक्सप्रेशन से फैमिलियर हो जाइए। अगर ई टू अपॉन ई वन की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो आपको पता है डिनोमिनेटर में क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन आएगा, और न्यूमरेटर में क्या आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन आएगा, ई वन इंटरसेक्शन ई टू, ठीक है। ये फिर से आप यहां से देखिए, ई वन इंटरसेक्शन ई टू दो अलग अलग इवेंट्स हैं, तो उसके लिए सैंपल स्पेस आपने पहले बनाया, कैसे बनाया आपने, दोनों के सैंपल स्पेस को कंबाइन करके बनाया। आपको यह भी पता है अगर एक सैंपल स्पेस में 6 एलिमेंट्स हैं, दूसरे में 2 एलिमेंट्स हैं, तो ओवरऑल जो सैंपल स्पेस बनेगा उसमें 6 × 2 टोटल 12 एक्सपेरिमेंट्स, मतलब इवेंट्स होंगे हमारे। तो इसलिए अगर यहां से हम देखें तो हमें यह पता है पी ई वन इंटरसेक्शन ई टू ये कब कब होता है, ये अभी हमने देख लिया, इसको हमने फाइंड कर लिया, वैल्यू मिली 1/4। तो यहां से अगर हम, और हमें यह भी पता है कि पी ई वन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 है। तो अगर हम इस रिलेशन को यूज करते तो ई टू के होने की प्रोबेबिलिटी जब ई वन हो चुका है क्या वैल्यू आती, इनका इंटरसेक्शन दैट इज 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2, ये भी चीज क्या मिलती है आपको, 1/2 मिलती। तो यहां से भी आप देख सकते थे अभी जैसे हमने दो चीजें क्या क्या लिख ली हैं, हमें दो चीज ये पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, और यहीं से आपने जो रिजल्ट्स लिखा पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होगी, अगर आप पी ए इंटरसेक्शन बी देख रहे हैं तो इट इज, या तो आप लिखें ए बाई बी इंटू पी बी, और इसी को आपने क्या लिखा बी बाई ए इंटू पी ए। ये हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अभी हम फिर जब आगे जो भी चीज़ हम डिस्कस करेंगे वहां पर इसका हमें बहुत बार 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 एप्लीकेशन करना है। तो इन एक्सप्रेशन से बिल्कुल आप फेमिलियर हो जाइए कि अगर ई वन अपॉन ई टू लिखा है तो डिनोमिनेटर में ई वन, इंटरसेक्शन आपके न्यूमरेटर में, अगर इंटरसेक्शन आपको देखना है वैल्यू तो आपने जो भी यहां पर प्रोबेबिलिटी लिख दी आप कुछ भी लिख सकते हैं, ए बाई बी लिख लीजिए तो फिर मल्टीप्लाई किससे कीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से मल्टीप्लाई कीजिए, अगर बी बाई ए लिख लिया तो किससे मल्टीप्लाई कीजिए, पी ए से मल्टीप्लाई कीजिए। तो अब अगर इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट लिखें, दैट इज ये हमारे पास रोलिंग ऑफ अ डाइस, ये हमने दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स को लेकर देखा, अब हम एक सिंगल एक्सपेरिमेंट देखते हैं, दैट इज एग्जाम्पल फॉर केस टू, मतलब हमारे पास एक सिंगल एक्सपेरिमेंट, हमारे पास एक ही एक्सपेरिमेंट है और इसके हम दो आउटकम्स की बात कर रहे हैं, दो इवेंट्स की हम बात कर रहे हैं जिसमें कुछ आउटकम्स हो सकते हैं, टू इवेंट्स। जैसे अगर हम क्या मान लें, मान लीजिए हमारे पास कोई एक सैंपल स्पेस है, सपोज एस में हमारे पास कोई चार वैल्यूज है, इजी एग्जाम्पल हम रख लेते हैं अभी 1, 2, 3, 4, ये हमारा टोटल सैंपल स्पेस था, जिसके हम कोई भी दो सबसेट बना लें तो हमारे इवेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मान लीजिए हमने कहा कि हमारा एक इवेंट है ए, जो क्या है 2, 3 का हो जाना, 2 या 3 में से किसी भी एक का हो जाना वो इवेंट ए को हो जाने के बराबर हम समझेंगे, और हमारा कोई दूसरा इवेंट है बी जिसमें हमारे पास एक ही एलिमेंट है, अगर 3, अगर हमारे पास एक ही एलिमेंट है 3, तो इस केस में अगर आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, जैसे अगर हमने कहा कि हमें फाइंड करना होता प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए, तो ये वैल्यू किसके बराबर होती, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी
डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर होती है। ये ए है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ऊपर ए इंटरसेक्शन बी। अब क्या चीजें आपको दिख रही हैं यहां पर, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी देखना चाहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट क्या क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या सेट मिला आपको, इन दोनों में कॉमन आपको दिख रहा है सिर्फ 3, तो ये आपको एक ही वैल्यू मिली 3, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं सैंपल स्पेस में 4 हैं। इसलिए अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी देखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, तो किसके बराबर होगी, 1/4 के बराबर, प्रोवाइडेड अगर हमने क्या मान रखा है, ये चारों सिंबल्स कैसे हैं, इक्वली लाइटली सिंबल्स अगर हैं, अगर इन सबके होने की प्रोबेबिलिटी अगर इक्वल है, तो उस केस में अगर हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा है दोनों के इंटरसेक्शन में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/ टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, दैट इज 1/4। ठीक है, ये इतना हमको पता चल गया। और ए के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज व्हाट, ए मतलब ये दो स्पेस हमारे सैंपल पॉइंट्स इसमें इंक्लूडेड हैं, तो इसके होने की प्रोबेबिलिटी, दैट इज फेवरेबल कंडीशंस 2 हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4 हैं, तो ये वैल्यू कितनी हमारी, 1/2 है। ठीक है, ये चीज अब यहां पर हम और निकाल लेते हैं। ये तो हमें पता चली गया कि यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये अगर हम देखेंगे b/a, तो ये वैल्यू क्या आ गई, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 1/4, और डिवाइडेड बाई अगर हम देख रहे हैं पी ए, दैट इज 1/2, तो ये क्या वैल्यू मिली हमें, हमें ये वैल्यू मिली फिर से 1/2। अब यहां पर क्या चीज दिख रही है आपको, इंपॉर्टेंट क्या है नोट करना, कि अगर हम यहां पर पी ए इंटरसेक्शन बी देखें, आपको ये भी पता है कि अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी इसके साथ लिखना चाहते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसके बराबर है, बी में एक ही इवेंट है, एक ही आपका आउटकम है, तो इस बी की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी, 1/4 के बराबर होगी। ये 1/4 हमारे बी की प्रोबेबिलिटी है, तो ये आपको वैल्यू मिली 1/4। अब अगर आप यहां पर नोटिस करें, क्या पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी, इसकी वैल्यू कितनी मिल रही है हमें, पी ए की वैल्यू है 1/2 एंड पी बी की वैल्यू कितनी है, 1/4, मतलब ये क्या वैल्यू मिली आपको, 1/8। क्या ये वैल्यू ए इंटरसेक्शन बी के प्रोबेबिलिटी के बराबर है, नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना दिख रहा है हमें, 1/4। तो अगर इनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट अगर इक्वल नहीं है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के, इसका मतलब आप देख कर कह सकते हैं ये जो दो इवेंट्स हमने सेलेक्ट किए हैं, ये दोनों इवेंट्स आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है, तो देयरफॉर यहां से हम क्या कह सकते हैं, इवेंट्स ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट, ये हमारे इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो इवेंट्स की इंडिपेंडेंसी आपको समझनी है अगर, तो आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए दोनों इवेंट्स की, और अगर आपको दिख रहा है कि ये चीज सेटिस्फाई नहीं हो रही, अगर इवेंट अगर अगर हमारे इंडिपेंडेंट होते, तो इस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के ही बराबर आनी चाहिए थी। अगर हम प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं बी के होने की, ए हो चुका है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है ए हुआ है या नहीं हुआ, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो उस केस में इसकी प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए की प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर मिलनी चाहिए थी, मतलब 1/4 मिलनी चाहिए थी। यहां पर जो आपको वैल्यू मिल रही है बी अपॉन ए की प्रोबेबिलिटी, ये आपको क्या मिल रही है, टोटल 1/2 मिल रही है, क्योंकि ये इक्वल नहीं है, एज इट इज नॉट इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, देयरफॉर अगेन वी कैन से दैट ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब यहां पर ये जो अभी हमने लिया, अभी हमने इक्वी प्रोबेबल सिंबल्स को कंसिडर किया, यहीं पर आप इन अलग अलग सिंबल्स की अलग अलग प्रोबेबिलिटीज को कर सकते थे मेंशन, उसके केस में यही कैलकुलेशन कर सकते थे हम, तो वो चीज जब हम रैंडम वेरिएबल अभी पढ़ेंगे, तो उस केस में अब हम वो चीज देखेंगे कि जरूरी नहीं कि ये सभी हमारे क्या हो, सेम प्रोबेबिलिटी के इवेंट्स हो सकता है ये जो हमारे हमने लिख रखा है इवेंट में जो आउटकम्स लिख रखे हैं, हो सकता है 2 की प्रोबेबिलिटी कुछ और हो, 3 की प्रोबेबिलिटी कुछ और हो, उसको हम डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट अपने स्टेप में। तो अभी यहां तक आपको फेमिलियर होना है कि चाहे आप दो एक्सपेरिमेंट अलग अलग परफॉर्म कर रहे हैं, या एक ही एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं उसके दो आउटपुट्स आप दो आउटकम्स देख रहे हैं इवेंट्स अलग अलग, तो उन दोनों के केस में आप इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को यूज कर सकते हैं। अब जैसे हमने जो बेस थ्योरम का, जो हमने बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम देखी, उसको हम अगर फिर से देख लें, वो चीज हमने क्या देखी थी, और उसके बाद फिर हम यहीं पर इन्हीं के एग्जांपल में जो मैप डिटेक्शन टेक्निक है या फिर ऑप्टिमम रिसीवर का जो आपका डेफिनेशन है जो उसकी, उसको भी हम यहां पर समझ सकते हैं, तो यहीं पर हम कर लेंगे अभी, बस ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और उसके बाद फिर हम उसको देखते हैं। तो इसकी भी बात हमने की थी बेस थ्योरम की, फिर भी क्योंकि एक मैसेज दिखा कि समझ में नहीं आ रहा था थोड़ा सा अगर, तो उसको कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब अगर हम
टोटल प्रोबेबिलिटी, ये जो हमने देखा था, हमने क्या मान लिया था कि लेट, अगर हम मान लें कि ए वन एंड ए टू आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज वेल एज एग्जॉस्टिव इवेंट्स, मतलब क्या हुआ इसका, अगर एक्सक्लूसिव है मतलब ए वन इंटरसेक्शन ए टू, ये क्या मिलेगा हमें, ये हमें मिलेगा एम्प्टी सेट, और अगर ए वन यूनियन ए टू कर लें तो ये हमें क्या मिलेगा, सैंपल स्पेस मिल जाएगा, ठीक है, तभी ये एग्जॉस्टिव है और ये हमारे इंडिपेंडेंट, ये हमारा क्या, एक्सक्लूसिव है। तो इस केस में आपने ये दिखाते लिया था कि अगर हम ये टोटल सैंपल स्पेस आपने कवर किया और अगर हम इसमें दो पार्ट्स कर लें, सपोज इस पार्ट को हमने ए वन और इसको हमने ए टू नाम दिया, तो ये दोनों दिख रहा हमें ये एक दूसरे से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और दोनों मिलाकर पूरा सैंपल स्पेस कवर कर रहा है। तो उसके केस में आपने लिखा था कि अगर हम कोई एक इवेंट यहां पर डिफाइन कर लें, ये अगर आपका कोई इवेंट है बी, तो इस बी के टोटल प्रोबेबिलिटी को अगर आपको फाइंड करना है तो आप इस बी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपने लिखा था कि एक हम इस रीजन को लें और एक इस रीजन को लें, इस रीजन को हम नाम दे सकते थे ए वन इंटरसेक्शन बी लिखें या मल्टीप्लीकेशन में भी लिखें, इंटरसेक्शन लिख लेते हैं, ठीक है, ए वन इंटरसेक्शन बी है और ये क्या हमारा ए टू इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को भी देखें तो ये दोनों भी आपस में कैसे हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, जहां पर ए वन इंटरसेक्शन बी है वहां ए टू इंटरसेक्शन बी नहीं है, और ये फिर जहां एक प्रेजेंट है वहां ये पोर्शन हमें इंटरफेयर नहीं कर रहा। तो अगर ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो इनकी जो प्रोबेबिलिटीज का सम होगा, हमने ये देखा है कि उनके यूनियन का जो सम होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज का, वो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज के एडिशन के बराबर होता है। और यहां से आपको ये दिख रहा है कि अगर हम इन दोनों पार्ट्स को ऐड कर देंगे तो हमें ये पूरा बी मिल जाएगा। तो मतलब यहां से अगर आप लिखते इन दैट केस कंसिडरिंग एनी इवेंट बी, ठीक है, ये क्या सेट मान सकते हैं आप इसको, कोई एक बी की आप कंडीशन को अगर कंसिडर कर रहे हैं तो इस बी की वैल्यू हमें यहां से क्या दिख रही है, ए वन इंटरसेक्शन बी प्लस ए टू इंटरसेक्शन बी, जहां पर ये जो दोनों पार्ट्स आपने लिखे हैं, दोनों पार्ट्स आपने क्या कहा, कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पार्ट्स हैं। तो अगर हम इसमें टोटल प्रोबेबिलिटी देखें इसकी, तो अगर आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा, अगर ये इन दोनों के यूनियन से मिल रहा है और दोनों एक्सक्लूसिव हैं, तो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन इंटरसेक्शन बी एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू इंटरसेक्शन बी के बराबर होगी। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर इसको सिंपली आप ए वन बी कहें, इंटरसेक्शन मतलब प्रोडक्ट ए वन इंटू बी, ए टू इंटू बी, और इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो अगर दोनों में से बी कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, ए वन प्लस ए टू, मतलब ये ए वन प्लस ए टू इंटू बी है और ए वन प्लस ए टू की वैल्यू सैंपल स्पेस के बराबर है, तो इसलिए ये पूरी चीज आपकी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सिंपली बी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो एक ये चीज आपके पास आ गई। अब यहां से अभी आपने देखा जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का स्टेटमेंट था कि जब आप दो इंटरसेक्शन कभी भी डिफाइन करते हैं, अगर आपको ए वन इंटरसेक्शन बी देखना तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन इंटरसेक्शन बी, अगर हम इसमें डिवाइड करते पी ए से तो ये वैल्यू हमारी क्या होती, मतलब आपने ये लिख रखा था कि अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए वन लेंगे तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज ए वन इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन के बराबर होगी, ये चीज होगी ऐसी। तो ए वन इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी को हम क्या लिख सकते हैं यहां से, इन दोनों का प्रोडक्ट दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन होगी, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। सिमिलरली ये जो सेकंड है आपका दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू इंटरसेक्शन बी, इसको क्या लिख सकते हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम कहें कि ये जो हमने इवेंट्स लिए हैं, अगर ये दो इवेंट्स हैं, मतलब दो हमारे ये क्या है ए वन ए टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं जिससे मिलकर के पूरा हमारा सैंपल स्पेस बना हुआ है, अगर हम ये वैल्यूज यहां सब्सटीट्यूट कर देते तो हमें क्या मिलता, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू आपको मिलती दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए वन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी
ए टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू। इसी चीज को आप और कैसे लिख सकते थे, समेशन के फॉर्म में भी लिख सकते थे। तो ये हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी देगा किसके लिए, फॉर एनी इवेंट बी। अब अगर मान लिया हमने कि अभी हमने जो दो एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स माने थे, अगर इन जनरल हम बात करें कि सिर्फ दो ही ऐसे इवेंट्स नहीं है जो सैंपल स्पेस को बना रहे हैं, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स अगर हैं, तो इन जनरल अगर आप यहां से लिखें, दैट इज इन जनरल इफ सैंपल स्पेस इज मेड अप ऑफ एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, अगर आप क्या ले लें वो ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन ले लें, सच दैट क्या होना चाहिए, ए वन यूनियन ए टू यूनियन ए थ्री अप टू, अगर हम ए एन इन सब का अगर हम यूनियन ले लेंगे तो क्या मिल जाना चाहिए, सैंपल स्पेस मिल जाना चाहिए, तभी हम कहेंगे एग्जॉस्टिव है और सभी आपस में इंडिपेंडेंट है। मतलब अगर हम इनका इंटरसेक्शन देखेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें, एक नल वेक्टर मिलेगा। तो अब यहां से अगर हम देखें कि इन जनरल अगर हमने कह दिया, तो अभी आपने लिखा है कि अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी देखना चाहते हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पहले केस में आपने क्या लिया, अगर आपने सिर्फ दो ऐसे इवेंट से मिला हुआ बनकर मिला हुआ आपने माना है सैंपल स्पेस को, तो आपने बी ए वन मतलब ए वन अगर हो गया उसके साथ बी के होने की प्रोबेबिलिटी, या ए टू हो गया उसके साथ बी के होने की प्रोबेबिलिटी, इस टाइप से आप डिफाइन कर रहे हैं। तो ऐसे ही अगर आपके पास एन ऐसे टर्म्स में आपने बांट दिया सैंपल स्पेस को, तो इस प्रोबेबिलिटी को क्या लिख सकते हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपने जैसे लिखा है ये, आप या तो पहले इंटरसेक्शन के फॉर्म में अगर लिख लें तो ऐसे लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए टू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए थ्री अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए एन, ऐसा लिख सकते हैं आप। और इस चीज को हम इंडिविजुअली कैसे लिख सकते थे, हम इसको लिख सकते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए आई, अगर आप इसको लिखें तो बी ए आई प्रोबेबिलिटी ए आई, ऐसा लिख सकते हैं हम, डिनोमिनेटर में है मल्टीप्लाई कर लिया। नेक्स्ट अगर हम इसको लिखें, ये हम ए वन लिख रहे हैं, ए वन के लिए तो हमने ये ए वन लिखा, ए टू के लिए क्या लिखेंगे आप, बी ए टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू सो ऑन अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए एन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन, ऐसा लिख सकते थे। तो इसलिए हम इस चीज को और क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इन दैट केस, अगर हमारे एन टोटल म्यूचुअली एग्जॉस्टिव और एक्सक्लूसिव इवेंट से मिलकर अगर हमारा सैंपल स्पेस बना हुआ है, तो उस केस में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं समेशन फ्रॉम आई इज इक्वल्स टू वन टू एन, इसको हम जे से नाम दे देते हैं, लेट्स से जे इक्वल्स टू वन टू एन पी बी अपॉन ए जे पी ए जे। जब आप जे की वैल्यू वन पुट करेंगे तो ये टर्म मिलेगा, टू पुट करेंगे ये टर्म मिलेगा, एंड सो ऑन। तो ये हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी है बी। अब अगर हम इसको यूटिलाइज करें, जो हमने अपने रिजल्ट्स दोनों, अभी जो हमने दो केसेस लिए, दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट और एक ही एक्सपेरिमेंट के दो आउटकम्स, तो अगर उनमें हम इसी चीज को यूटिलाइज करें, तो अगर अभी हमने लिखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई बी, बी इवेंट हो चुका है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें ए आई इंक्लूडेड होगा, जो सैंपल स्पेस को हमने अलग अलग पार्ट्स में बांट रखा है, अगर हम कहें कि बी इवेंट, हमें पता है कि बी इवेंट हो चुका है, तो बी इवेंट में सैंपल स्पेस का वो पार्ट भी इंक्लूडेड हो जिसको आप ए आई नाम दे रहे हैं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आपने इसको लिखा था कि इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई और डिवाइडेड बाई, आपने लिखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऐसा ही लिखा था आपने। अगर आपको ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चाहिए ए आई ऑब्लिक बी, तो बी ए आई इंटू पी ए आई इंटू बी, ऐसा आपने लिखा था जब दोनों को आपने मर्ज किया था। मतलब आपने एक ये कंडीशन लिखी थी ए इंटरसेक्शन बी के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपने ये लिखा था, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए पी ए, और इसको आपने लिखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी पी बी, ये चीज लिखी थी आपने। और अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें, और यहां से अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई अपॉन बी निकालें, मतलब ये टर्म प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई अपॉन बी, तो क्या वैल्यू आएगी, पी बी अपॉन ए आई इंटू पी ए आई अपॉन पी बी आएगी।
और अब अगर यहां पर आप पीबी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, मतलब इस केस में आपने क्या मान लिया, अगर कि ये जो एआई आप ले रहे हैं, जितने भी ऐसे एआई हैं, अगर हम उन सबको सम कर दें तो हमारा पूरा सैंपल स्पेस बन जाएगा। तो उस केस में आप यहां पर इस पीबी की जगह पर क्या लिख सकते थे, आप लिख सकते थे अब पी एआई ऑब्लिक बी इज इक्वल्स टू पी बी एआई इंटू पी एआई, और अभी जो हमने ऊपर वैल्यू फाइंड की है अपने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की, अगर आप उसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दें, दैट इज फ्रॉम जे इक्वल्स टू वन टू एन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑब्लिक ए आई ए जे एक्चुअली यहां पर और इनटू पी ए जे। तो ए आई एक पर्टिकुलर आपने कोई भी एक वैल्यू के लिए देखा, अगर आपने मान लिया ये, देखिए यहां पर इसको हम यहां फिगर में समझने की कोशिश करें, अगर सपोज ये हमारे पास ये ओवरऑल सैंपल स्पेस है, ये हमारे पास ओवरऑल सैंपल स्पेस है जिसको हमने कुछ पार्ट्स में बांट दिया, ठीक है, ये हमने इसको कुछ पार्ट्स में बांट दिया। अब कोई जरूरी नहीं है कि जब इवेंट बी होगा तो ये सभी पार्ट्स को वो कंज्यूम करेगा, मतलब सभी पार्ट को इंक्लूड करेगा, कसो कोई जरूरी नहीं है। अगर हमने मान लिया कि ये हमारा इवेंट है, ये हमारा इवेंट है बी, अगर हम इस इवेंट को बी कह रहे हैं, तो अब और अगर हमने इसको नाम दे दिया, ये ए वन है, ये ए टू है, ये ए थ्री है, ये ए फोर है, ये ए फाइव है, ये ए सिक्स है, तो अगर इवेंट बी अकर हो रहा है तो इवेंट बी का अकर होना मतलब क्या बता रहा है, उसमें से कौन कौन चीजें, ये किस किस को इंक्लूड कर रहा है। अगर बी हुआ इसका मतलब ए टू हुआ होगा, इसकी कुछ प्रोबेबिलिटी है, ए थ्री हुआ होगा इसकी कुछ प्रोबेबिलिटी है, ए फोर हुआ होगा इसकी प्रोबेबिलिटी है, ए फाइव की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन ए सिक्स और ए वन से ये इंडिपेंडेंट है, ए सिक्स और ए वन को टच नहीं कर रहा। तो अगर हम कह रहे हैं कि अगर हमें ये पता है कि बी अकर हो चुका है, तो इस बी में सैंपल स्पेस को जो हमने अलग अलग पार्ट्स में बांटे हैं, जिसको हमने ए वन ए टू ए थ्री नाम दिया है, उसमें से सपोज हमें ए थ्री की प्रोबेबिलिटी चाहिए कि इस बी इवेंट हो गया है तो ए थ्री उसमें इंक्लूडेड होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो कैसे मिलेगी आपको प्रोबेबिलिटी, अगर आप क्या देख लें बी ए आई, कि जब जब ए आई होता है उसमें बी के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इन टू इसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई, मतलब जो आप कह रहे हैं कि ए टू या ए थ्री जिस भी सेक्शन की आप बात कर रहे हैं उसके होने की प्रोबेबिलिटी अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इसलिए आपने इस फॉर्म में इस चीज को लिख लिया, आपने ये वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दी ए जे, तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया, और इसी को नॉर्मली आप बेस थ्योरम के नाम से जानते हैं। तो अब देखिए यहां पर जो प्रोबेबिलिटीज हमने लिखी हैं, अब हम इनका कुछ नाम लिखते हैं कि इनको एक्चुअली हम क्या नाम देते हैं और क्यों नाम देते हैं, फिर इसके बाद हम कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल ले लेंगे इस पर। तो अभी तक हमने सिर्फ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की ही बात की है, आज आपको जब आपके लेक्चर हो जाएगा आपका, उसके बाद एक पीडीएफ मिलेगी, क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको सेंड करूंगा मैं, वो क्वेश्चंस बेसिक प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस होंगे, उसको पहले आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ तो एग्जांपल्स हम नेक्स्ट लेक्चर से अपने लेंगे ही। तो चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें यहीं पर कि जो हम प्रोबेबिलिटीज डिफाइन कर रहे हैं, देखिए दो टाइप की हमारे पास प्रोबेबिलिटीज है, ए आई अपॉन बी है और ये बी ए आई है। तो अब इन प्रोबेबिलिटीज को हम क्या नाम देते हैं, देखिए सबसे पहले अगर हम प्रोबेबिलिटीज ऑफ, अगर हम यहीं पर देखते, जैसे मान लीजिए कि जब आपने दो इवेंट्स में आपने लिया था, ये जब आपने इस पूरे सैंपल स्पेस को जब सिर्फ दो के केस में आपने बांटा, सिर्फ दो के केस में जब आपने बांटा, तो ये आपके पास एक प्रोबेबिलिटी है बी अपॉन ए वन, ऐसे ही आपके पास एक दूसरी क्या प्रोबेबिलिटी होती बी अपॉन ए टू भी होती है, दूसरी क्या प्रोबेबिलिटी होती है हमारे पास प्रोबेबिलिटी बी ए टू भी होती, जिसको क्या लिखते हम ए टू इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू लिखते, ठीक है, ये ऐसा लिख सकते थे आप। तो ये जो दोनों प्रोबेबिलिटीज हैं, इन प्रोबेबिलिटीज को और ये जो आपने अभी फाइंड किया दैट इज ए आई अपॉन बी को, इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को हम क्या नाम देते हैं, उसको हम देख रहे हैं यहां पर अब। तो देखिए सबसे पहले जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन है या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू है या जो ये जितने भी हमारे प्रोबेबिलिटीज हैं, जो सब ये ए वन ए टू ये क्या प्रोबेबिलिटीज लिख रहे हैं हम, जिन सबको मिलाकर हम सैंपल स्पेस बनाने वाले हैं, मतलब जो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं जो पूरे सैंपल स्पेस को बनाते हैं, इन सभी प्रोबेबिलिटीज को हम नाम देते हैं। ये जो हमारे पास मान लीजिए हमने कहाँ तक लिया था, ये एन अगर हमने इवेंट्स में ऐसे बांटा है तो ये पी ए एन, इन सभी को हम नाम देते हैं प्रायर ए प्रायर प्रोबेबिलिटीज। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं,
सैंपल स्पेस का A1 सेक्शन सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी इवेंट B के साथ, या A2 के या AN के, ये सभी इनको हम क्या नाम देते हैं, ये क्या हमारी प्रायर प्रोबेबिलिटीज हैं, ए प्रायर प्रोबेबिलिटीज हैं। अब इसके बाद ये जो आपने प्रोबेबिलिटीज लिखी हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ AI B, A1/B लिख लें या A2/B लिख लें, A3/B लिख लें, ये सभी प्रोबेबिलिटीज इनको हम नाम देते हैं ए पोस्टीरियरी प्रोबेबिलिटीज। और ये जो रेशियो है BAI, रेशियो नहीं है क्या हमारा ये, जब AI हो चुका है उसके केस में B इवेंट के इंक्लूड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इसको आप नाम देते हैं दीज आर लाइकलीहुड्स। देखिए आप इसको समझिए, ये क्या हमारी चीज AI, A1, A2, ये सभी हमारी प्रायर प्रोबेबिलिटीज, ये हमारा AI B, मतलब ये हमारी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज कि अगर हम इस AI को कब देख रहे हैं, जब हम ऑलरेडी B फाइंड कर चुके हैं, जब B इवेंट हो चुका है उसके बाद अगर हम देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि उसमें AI सेक्शन इंक्लूडेड होगा, तो आपने इसको नाम दिया पोस्टीरियरली प्रोबेबिलिटी। और ये क्या आपकी लाइकलीहुड्स है कि अगर हमने कोई एक सेक्शन कंसीडर कर लिया सपोज A1, तो इस A1 में B इवेंट इंक्लूड होगा, ये क्या हमारे A1 सेक्शन में भी इंक्लूड हो सकता है, A2 में भी इंक्लूड हो सकता है, A3 में भी इंक्लूड हो सकता है, तो इसलिए ये सभी क्या हमारे लाइकलीहुड्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे जब डिनोमिनेटर में आपके क्या आ रहा है, वो वैल्यूज आ रही हैं, वो इवेंट्स आ रहे हैं जिनमें आपने पूरे सैंपल स्पेस को बांटा है, तो ये चीज़ आपकी लाइकलीहुड्स हैं। और अगर ये चीज़ न्यूमरेटर में आ रही है और डिनोमिनेटर में आपका इवेंट भी आ रहा है जिसको आप देखने वाले हैं कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में इंक्लूडेड है या नहीं, तो इसको आप नाम देते हैं ये क्या हमारे पोस्टीरियरली प्रोबेबिलिटीज हैं। तो इन पर हम अभी एक एग्जांपल करेंगे, तो ये चीज़ हमारी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, तो थोड़ा सा आपको वेट करना है और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ये चीज़ें। तो जब भी सैंपल स्पेस बना है, जैसे अगर मान लीजिए, ठीक है हम एग्जांपल से ही देख लेते हैं, तो ये चीज़ें आ गई हमारे पास। अब नेक्स्ट अगर हम देखें, जैसे मान लीजिए कुछ एक एग्जांपल हम और कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम कम्युनिकेशन के एग्जांपल में चलेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास, आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट क्या किया आपने, ये आपने एक्सपेरिमेंट किया, एक एक्सपेरिमेंट ड्रॉइंग 2 टिकट्स फ्रॉम कलेक्शन ऑफ टिकट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 100। ये आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं कि आपके पास टिकट्स रखे हुए 1 से 100 तक के, और उसमें से आपने रैंडमली कोई 2 टिकट्स आपने सेलेक्ट किए, तो इवेंट क्या है जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी देखनी है, इवेंट आपको प्रोबेबिलिटी देखनी है कि इफ द मैक्सिमम, इफ द मैक्सिमम ऑफ दीज 2 टिकट, मैक्सिमम नंबर, एक्चुअली मैक्सिमम ऑफ दीज 2 टिकट्स नंबर इज लेट्स से नॉट मोर देन 10, देन इफ वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी, देन प्रोबेबिलिटी दैट द मिनिमम ऑफ देम, द मिनिमम नंबर ऑन टिकट इज नॉट लेस देन 5। क्वेश्चन क्लियर हो रही है चीज, हमारे पास 100 टिकट्स थे और उन 100 टिकट्स में से हमने कोई 2 टिकट्स रैंडमली हमने पिक कर लिए। अब हमें यह बताना है कि जो टिकट्स हमने पिक किए हैं, अगर हमें यह पता है कि उनमें से 2 टिकट्स आए हैं अलग अलग नंबर आए होंगे, क्योंकि हमने एक साथ दो कार्ड्स अगर ड्रॉ किए हैं, सब पर अलग अलग नंबर्स लिखे हैं, तो डेफिनेटली 2 अलग अलग नंबर्स ही हमें मिले होंगे। तो अब उन 2 नंबर्स में से हमने ये कह दिया कि जो मैक्सिमम नंबर है वो 10 से बड़ा नहीं है, तो क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो उसमें से मिनिमम नंबर होगा वो क्या होगा, 5 से छोटा नहीं होगा। एक क्या हमारा 10 से बड़ा नहीं है और दूसरा क्या होना चाहिए, 5 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे केसेस में, जैसे अगर आपको इस टाइप की प्रोबेबिलिटीज अगर आपको फाइंड करनी है, तो आपको क्या दिख रहा है, टोटल सैंपल स्पेस पहले कितना था। अगर हम यहाँ पर टोटल सैंपल स्पेस देखते, तो ये 1, 2, 3, 4 से लेकर ये हमारा कहाँ तक होता,
ये 100 तक ही आपका टोटल सैंपल स्पेस होता, ठीक है। अब अगर हम देखें कि जब एक चीज हो चुकी है, मान लीजिए हम अगर कहें कि हमारे पास दो इवेंट्स, अगर हम मान लें, ये तो आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है जो क्या रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम मान लें एक इवेंट है हमारा E1, दैट इज मैक्सिमम नंबर नॉट मोर देन 10, नॉट मोर देन 10, इसका मतलब मैक्सिमम नंबर, ये हमारे पास क्या वैल्यू आ सकती थी कि जो होना चाहिए मैक्सिमम नंबर वो क्या होना चाहिए, 10 से छोटा होना चाहिए। तो यहां पर अगर हमने लिखा ये हमारा इसमें सैंपल स्पेस में इसके इसमें क्या क्या चीजें होंगी, 1 से लेकर के आप कहां तक लिखेंगे 10 तक, क्योंकि नॉट मोर देन 10 लिखा मतलब हम 10 को इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप ये मत देखिए कि मैक्सिमम नंबर 1 नहीं हो सकता, ऐसा नहीं, बिल्कुल नंबर 1 नहीं होगा कभी भी, अगर दो मैक्सिमम मिनिमम देख रहे हैं तो 1 से बड़ी ही मैक्सिमम आएगी वैल्यू। लेकिन हम अगर इस E1 को देखें कि हमने एक टिकट जो लिया वो 10 से छोटा या 10 के बराबर हो, तो उसमें पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 1 से लेकर 10 तक है, ठीक है ये चीज। सेकेंड इवेंट अगर हम ले रहे हैं Event 2, दैट इज नंबर नॉट लेस देन 5, नंबर नॉट लेस देन 5, तो इस नंबर नॉट लेस देन 5 में क्या क्या आएंगी वैल्यूज, मतलब इसमें 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9, 10, ये सभी वैल्यूज हो सकती हैं। तो अब अगर आप यहां पर इन दोनों इवेंट्स का आप देखना चाहते हैं कि अगर आपको क्या चाहिए प्रोबेबिलिटी, आपको अगर ये प्रोबेबिलिटी चाहिए, दैट इज आपको ये पता है कि इवेंट E1 हो चुका है और E2 के होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए। अगर हम ये कह रहे हैं कि E1 इवेंट, दैट इज मैक्सिमम नंबर इज नॉट मोर देन 10, अगर ये चीज हो चुकी है और हमें प्रोबेबिलिटी किसकी देखनी है कि मिनिमम नंबर हमारा जो होना चाहिए 5 से बड़ा या 5 के बराबर होना चाहिए, तो ये वैल्यू किसके बराबर होती, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 एंड डिवाइडेड बाई वॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ऐसा लिख सकते थे हम। अब अगर आप देखें कि इन इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये E1 इंटरसेक्शन E2 मतलब क्या है, अगर हम यहां से E1 इंटरसेक्शन E2 देखेंगे तो उसमें क्या एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको, E1 इंटरसेक्शन E2 क्या एलिमेंट्स हैं यहां पर हमारे, इट इज 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ये दिख रहा है आपको। इवेंट 1 में 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए तो सिर्फ 1 से 10 तक वैल्यूज है, इवेंट 2 में 5 से छोटा नहीं होना चाहिए तो 5 से लेकर 100 तक हमारे पास वैल्यूज है। तो जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, 5 से लेकर 10 तक की वैल्यूज आपको यहां पर मिलेंगे, सॉरी। तो ये अगर आप यहां पर देखें, अगर आप इस इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि जो दो कार्ड्स आए, ये इवेंट हमारा कब सक्सेस, ये E1 इंटरसेक्शन E2 का क्या मतलब है कि एक कार्ड हमारा जो मैक्सिमम है वो 10 से छोटा भी है, 10 के बराबर भी है, और जो मिनिमम नंबर है वो हमारा 5 से बड़ा और 10 के बीच में, तो ये 5 से बड़ा है, तो ये दोनों कंडीशंस कब सेटिस्फाई होंगी, जब हम दो कार्ड्स इन्हीं कार्ड्स में से चुनें। अगर हम जो दो कार्ड्स पिक कर रहे हैं, अगर हम वो इस सेट में से कोई दो कार्ड्स चुनेंगे तो हमारा E1 और E2 एक साथ होगा, अगर इनके अलावा हम दूसरा कोई भी कार्ड चुन लेंगे तो हमारे E1 और E2 दोनों एक साथ हमारे सेटिस्फाई नहीं होंगे, ये चीज समझ रहे हैं। तो अब इनमें से कोई दो कार्ड हम कैसे चुन सकते हैं, अगर आपको देखना हो कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि हमने जो दो कार्ड सेलेक्ट किए हैं वो इन्हीं में से हमने सेलेक्ट किया हो, तो कैसे कर सकते हैं आप, 100 में से कोई दो कार्ड चुनने के तरीके आप जानते हैं। अगर हम ओवरऑल देखें कि अगर हमें दो कार्ड सेलेक्ट करने हैं, एनी टू कार्ड्स फ्रॉम 100 कार्ड्स, तो ये कितने तरीके से चुन सकते हैं आप, ये जानते हैं 100C2 कॉम्बिनेशन, दो कार्ड्स का कॉम्बिनेशन कितने तरीके से ले सकते हैं 100C2 से, तो ये आपका सैंपल स्पेस होता कि अगर आपको दो कार्ड्स पिक करने हैं तो आप 100C2 टाइम्स, मतलब इतने तरीके हो सकते हैं दो कार्ड्स को पिक करने के। अब फेवरेबल आउटकम क्या है आपका, अगर आप इस प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, अभी सिर्फ E1 इंटरसेक्शन E2 की प्रोबेबिलिटी की बस बात कर रहे हैं, तो इसके लिए फेवरेबल कंडीशन ये है कि हम जो दो कार्ड्स चुने वो दोनों कार्ड्स क्या हों, इन्हीं में से हम वो कार्ड्स चुने। तो अगर आप फेवरेबल कंडीशन देखेंगे तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपके पास 6 नंबर्स हैं, 6 कार्ड्स हैं, इन्हीं 6 में से दो कार्ड्स चुनने के तरीके। तो यहां पर फेवरेबल कंडीशंस क्या हैं, फेवरेबल जो आपके कंडीशंस हैं वो हम कितने तरीके से चुन सकते हैं, दैट इज कोई ये 6 में से कोई दो कार्ड्स चुन लेना, अगर हम इस 6 कार्ड्स में से ही कोई दो कार्ड्स चुन लेंगे तो वो कार्ड 10 से छोटा भी होगा और वो कार्ड 5 से बड़ा भी होगा। तो अब अगर आपको ये दोनों कंडीशंस पता चल गई तो हम इसकी वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, 6 में से कोई दो कार्ड चुनना डिवाइडेड बाई टोटल सैंपल स्पेस, दैट इज 100 में से कोई दो कार्ड चुनना। ये अभी हमने सिर्फ क्या लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, हम टोटल जो हम लेना चाहते हैं इंटरसेक्शन, मतलब
इसके लिए फेवरेबल कंडीशन है कि हम 6 में से ही दो कार्ड चुने, जो 6 नंबर्स के हैं, 5 से 10 के बीच के नंबर्स हैं, और डिवाइडेड बाई टोटल सैंपल स्पेस क्या है, कोई भी हम दो कार्ड 100 कार्ड्स में से जब चुनते हैं, तो ये हमने लिख लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 डिवाइडेड बाई, जब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 चाहिए, E1 मतलब ये जो इवेंट आपने ले रखा है कि इवेंट हमारा E1 क्या है, जब नंबर हमारे 10 से कम है, तो इसी में से एक नंबर चुनना, तो आपके पास कितने नंबर हैं इवेंट ए में, अगर हम इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी चाहते हैं, E1 की प्रोबेबिलिटी, तो इसमें 1 से 10 तक वैल्यूज हैं, मतलब 10 नंबर्स हैं, इन्हीं में से हम कोई एक नंबर चुने, तो कितने तरीके हो सकते हैं, 10C1, और डिवाइडेड बाई, आपको क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो 100 में से कोई एक कार्ड चुनना, मतलब 100 में से कोई दो कार्ड चुनना, तो यहां से आप अगर लिखें तो क्या लिखेंगे आप, E1 के होने की प्रोबेबिलिटी हम 10 में से कोई दो कार्ड चुने डिवाइडेड बाई 100 में से हम कोई दो कार्ड चुने, ये समझ रहे हैं क्या लिखा हमने, हमने पहले E1 इंटरसेक्शन E2 की प्रोबेबिलिटी कैसे देखी, कि ये इवेंट कब होगा E1 इंटरसेक्शन E2, जब हम जो 6 नंबर से उन्हीं में से कोई दो कार्ड चुनते, तो हमने लिखा 6C2 डिवाइडेड बाई सैंपल स्पेस क्या था, 100 में से कोई दो कार्ड चुनना, डिवाइडेड बाई ये E1, E1 इवेंट वो है जब हम अपना नंबर सिर्फ 1 और 10 के बीच में ही चुनते हैं, जब हमें मैक्सिमम नंबर 10 से छोटा या उसके बराबर चाहिए, तो उसी 10 में से आपके दो चुनना, तो हमने लिखा 10C2 डिवाइडेड बाई टोटल क्या हो सकता था, हम 100 में से कोई भी दो कार्ड चुन सकते, तो फिर से हमने डिवाइड कर दिया इसको किससे, 100C2 से, तो अब अगर आप ये देखेंगे तो ये वैल्यूज आपकी कैंसिल आउट हो गई, ये दोनों वैल्यूज कैंसिल आउट हो गई, तो क्या मिली आपको वैल्यू, 6C2/10C2, जो भी वैल्यू आएगी ये आपका आंसर हो जाएगा, अगर आप यहां से देखें तो आंसर क्या होता, 6×5×4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, और इंटू इसको अगर देखेंगे तो ये 10×9×8 और डिवाइडेड बाई 2×8, इसको आप कैलकुलेट कर लेना, 8 और 8 ये कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 एंड फैक्टोरियल 2, 6×5×4×4×2, 10×9×8×8, ठीक है, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगी चीज़ें, 4 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये आपका 30/90, तो ये वैल्यू आ रही है आपकी 1/3, तो ये जो वैल्यू आपको मिल जाएगी ये 1/3 मिल जाएगी, तो अब हम यहाँ पर ये हमने देखा कि कैसे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को यूज़ करेंगे, तो यूज़ जब करेंगे तो सिंपली हम ये एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, और इस एक्सप्रेशन को फाइंड करना, ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करना आपको आना चाहिए, तो इतना ये जो हमने लिया ना, ऐसे क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे आपके पास, ऐसे क्वेश्चन इतने नहीं आएंगे, आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये सभी चीज़ें हम नॉर्मली ये डिजिटल कम्युनिकेशन में जब यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हमारे आउटकम्स में सिर्फ 0 या 1 होते हैं, या फिर जब आप कोई रैंडम वेरिएबल अगर डिसाइड कर रहे हैं तो उसमें कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स अगर हैं, उन सब की अलग अलग प्रोबेबिलिटीज हैं, तो उनके केस में हम इसको अप्लाई करेंगे, तो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है सिर्फ इतना, ये जो आपने रिलेशन लिखा है E2/E1 की वैल्यू क्या होगी, E1/E2 की वैल्यू क्या होगी, E1 इंटरसेक्शन E2 को दो तरीके से कैसे लिख सकते हैं, ये चीज़ आपको बस ध्यान होनी चाहिए, ये बेस थ्योरम आपने देख लिया, इसको भी हम आगे यूज़ करेंगे, तो अब अगर हम कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल देखें तो कम्युनिकेशन में जैसे आप मॉड्यूलेशन कहते हैं, तो मॉड्यूलेशन आप आगे देखेंगे, और वैसे भी आपको पता है कि हम अपने जो मैसेज सिग्नल है उसको डायरेक्टली ट्रांसमिट नहीं करके, क्योंकि वो उतना इम्यून नहीं होगा नॉइज के, हम क्या करते हैं, कुछ सिग्नल ऐसा जनरेट करते हैं यूजिंग अ कैरियर एंड अ मैसेज सिग्नल, जो ज़्यादा हम कन्वीनियंटली ट्रांसफर कर सकें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, तो जैसे आप एनालॉग में मॉड्यूलेट करते हैं वैसे ही आप डिजिटल मॉड्यूलेशन में भी करेंगे, मतलब जो आपकी बिट स्ट्रीम आएगी उस बिट स्ट्रीम के अकॉर्डिंग आप कुछ मैसेज सिग्नल जनरेट करके ट्रांसमिट करेंगे, ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हम क्योंकि पहले भी देख चुके थे लेक्चर 1 में भी, तो आपको सिर्फ क्लियर करने के लिए है, ज्यादा चीजें आपको यहां से याद नहीं रखनी पड़ेंगी, एक दो रिजल्ट्स ही हैं जो आपको याद रखें, ठीक है, चलिए, तो जैसे हम बात कर रहे थे कि कम्युनिकेशन में अगर आपको डिजिटल सीक्वेंस को अगर आपको ट्रांसमिट करना है तो उसको मॉड्यूलेट करके हर एक मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग आप कुछ सिग्नल जनरेट करते हैं और उस सिग्नल को आप ट्रांसमिट करते हैं, मान लीजिए कि अगर हम इन डिजिटल कम्युनिकेशन की बात करें, यहां पर हम ये भी ले लेते हैं थ्रू
अ बाइनरी सिमेट्री शरत। मतलब अगर मान लीजिए कि हमारे पास जो सोर्स है वो सोर्स दो ही सिंबल्स जनरेट कर रहा है, जीरो या वन, ठीक है, और रिसीवर एंड पर भी जब आएगा तो रिसीव भी यही सिंबल्स होंगे, जीरो या वन। तो ये जीरो या वन क्या है, इनको हमने नाम दिया है जीरो या वन, लेकिन एक्चुअली हम क्या करते हैं, कुछ मैसेज सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास जीरो के करेस्पॉन्डिंग जब भी हमें ट्रांसमिट करना होगा तो हम क्या ट्रांसमिट करेंगे, एक मैसेज, कोई एक सिग्नल, कोई एक वेव फॉर्म, वोल्टेज वेव फॉर्म, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, एम जीरो। जब भी क्योंकि ट्रांसमिट आप जीरो या वन कैसे ट्रांसमिट करेंगे, किसी वोल्टेज करंट लेवल्स के ही फॉर्म में करेंगे आप ट्रांसमिट। तो अगर मान लीजिए कि जब हमें जीरो ट्रांसमिट करना है तो हम क्या ट्रांसमिट कर रहे हैं, कोई एक मैसेज, एम नॉट ट्रांसमिट कर रहे हैं। जब हमें वन ट्रांसमिट करना हो रहा है तो हम क्या ट्रांसमिट कर रहे हैं, अगर उस मैसेज को हमने नाम दे दिया एम वन मैसेज। अब ये चीज आपके चैनल के थ्रू जा रही है और रिसीवर एंड पर, कि हमने ट्रांसमिटर एंड पर देखा, हमने जीरो ट्रांसमिट करना है एम नॉट ट्रांसमिट करेंगे, वन ट्रांसमिट करना है एम वन ट्रांसमिट करेंगे। रिसीवर एंड पर अगर नॉइज नहीं है तो हम ये कहेंगे कि अगर ये एम जीरो सिग्नल आता है या एम वन सिग्नल आता है, उसके करेस्पॉन्डिंग कुछ सिग्नल जनरेट कर रहा होगा रिसीवर, जिसको अगर हम नाम दे दें आर नॉट एंड आर वन। तो अगर हमने मान लिया कि इट इज, अगर हमारा मैसेज सिग्नल एम नॉट आया तो क्या जनरेट होगा रिसीवर एंड पर, आर नॉट जनरेट होगा, और अगर हमारा एम वन आया तो क्या जनरेट होगा रिसीवर एंड पर, आर वन जनरेट होगा। ये किस केस में, विदाउट एनी नॉइज। मतलब अगर हमारा कोई नॉइज नहीं है तो उस केस में एम नॉट अगर रिसीवर एंड पर हम देखें तो क्या जनरेट करेगा सिग्नल, आर नॉट जनरेट करेगा, और एम वन क्या जनरेट करेगा सिग्नल, आर वन जनरेट करेगा। तो अब यहां पर अगर हम ये मान लें, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि चैनल में अगर कुछ नॉइज एड अप हो गया तो हो सकता है कि आपने जो जीरो ट्रांसमिट किया हो एम नॉट, उसको रिसीवर क्या डिटेक्ट करे, आर वन डिटेक्ट करे। तो ये R1 के करेस्पॉन्डिंग क्या जनरेट करेगा, M1 मैसेज जनरेट करेगा। तो ये चीज हमारी पता है। तो अब यहां से अगर हम देखें, लेट्स से कि जो प्रोबेबिलिटी है हमारी, उन प्रोबेबिलिटीज को हम पहले अगर देख लें कि लेट मैसेज M0 इज ट्रांसमिटेड विथ प्रोबेबिलिटी PM0, सिंपली इसको हम यही लिख लेते हैं पी एम नॉट, एंड एम वन इज ट्रांसमिटेड विथ प्रोबेबिलिटी पी एम वन। अब यहां से देखिए, हम जो अभी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े, अभी हमने जब टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम देखी, अब यहां से बहुत अच्छे से देखिए, क्योंकि आपने अभी जो चीजें पढ़ी, इतने जो आपने लिखी है चीजें, वो सभी का कंक्लूजन यहीं से आ जाएगा। सिर्फ ये एग्जाम्पल आप अगर समझ जाएंगे तो वो सभी चीजें आप कंक्लूड करेंगे कि ए पोस्टीरियरी किसको कहते हैं, हम लाइकलीहुड किनको कहते हैं, प्रायर प्रोबेबिलिटीज किनको कहते हैं। तो ये जो हमने लिखी है पी एम जीरो और पी एम वन, यही हमारी क्या है, दीज आर ए प्रायर प्रोबेबिलिटीज। आपने क्या लिखा था, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, जिन सबसे मिलकर के हमारा सैंपल स्पेस बना हुआ हो, उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को हम क्या नाम देंगे, प्रायर प्रोबेबिलिटीज। तो यहां सैंपल स्पेस हमारा किससे मिलकर बना हुआ है, जीरो और एम वन से मिलकर बना हुआ है, जिसको अल्टीमेटली हम क्या कहें, एम जीरो और एम वन से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि जीरो भेजना होगा तो रिसीवर, ये सोर्स क्या ट्रांसमिट करेगा, जीरो। जीरो का क्या मतलब, ट्रांसमिट क्या कर रहा है वो, एम नॉट, और वन मतलब क्या ट्रांसमिट कर रहा है, एम वन। हो सकता है जीरो और वन इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ नहीं सेंड कर रहा आपका सेंडर, तो उस केस में इसकी कुछ अलग प्रोबेबिलिटी है, इसकी कुछ अलग प्रोबेबिलिटीज। तो पी एम जीरो पी एम वन, इसको हमने कहा प्रायर प्रोबेबिलिटीज, कि जब हमें नहीं पता, अभी हम जब ट्रांसमिट कर रहे हैं, जब वो बिट आई ही नहीं है जिसको हमने ट्रांसमिट किया है, अभी नेक्स्ट बिट क्या ट्रांसमिट होगी हमें नहीं पता, लेकिन उसके पहले से हम प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि एम नॉट के इस इंस्टेंट पर एम नॉट के ट्रांसमिट होने की प्रोबेबिलिटी है पी एम नॉट, और एम वन के ट्रांसमिट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, पी एम वन है। तो इनको हमने क्या नाम दिया, प्रायर प्रोबेबिलिटीज नाम दिया, ठीक है। अब अगर चैनल में नॉइज है तो उस केस में क्या होगा, हो सकता है कि हम अगर एम नॉट भेजे जिसको रिसीव करना था एज आर नॉट, हो सकता है वो आर नॉट रिसीव करे, हो सकता है वो उसको क्या रिसीव करे, किस फॉर्म में, आर वन के फॉर्म में रिसीव करे। तो यहां से हम कुछ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज लिख सकते हैं। तो वो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज मतलब, अगर हमने लिखा प्रोबेबिलिटी दैट वी हैव, हमें ये पता है कि हमने भेजा क्या है, एम नॉट भेजा है, तो उस केस में अगर एम नॉट हमने भेजा है तो आर नॉट के फॉर्म में रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी, अगर हमने
M0 भेजा और उसके R1 के फॉर्म में रिसीव होने की प्रायोरिटी, ये दो कंडीशंस हैं। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, सेंट बिट या आपका है मैसेज इज M0, मैसेज ही लिखिए क्योंकि बिट 01 है, उसको मैसेज सिग्नल के फॉर्म में M0 के फॉर्म में हम भेज रहे हैं, तो मैसेज सेंट मैसेज इज M0, वाइल ये हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, दैट इज इट इज व्हाट द प्रोबेबिलिटी दैट transmitted signal M0 will be received as R0. ऐसे ही इसको क्या कहेंगे हम, इट इज प्रोबेबिलिटी दैट ट्रांसमिटेड सिग्नल M0 ओनली, क्योंकि हमने ट्रांसमिट क्या किया है, M0 ट्रांसमिट किया है, विल बी रिसीव्ड एज R1। ऐसे ही आपके पास दो और क्या प्रोबेबिलिटीज आती, अगर आपने ट्रांसमिट क्या किया है, M1 ट्रांसमिट किया, तो दो प्रोबेबिलिटीज होती, हो सकता है वो R0 के फॉर्म में डिटेक्ट करे इसे रिसीवर, या फिर हो सकता है कि वो R1 के फॉर्म में रिसीव करे, किसको, जब आपने मैसेज सिग्नल M1 ट्रांसमिट किया। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसमिटेड सिग्नल इज M1, ट्रांसमिट क्या किया आपने M1, एंड विल बी रिसीव्ड एज बिट व्हाट R0। ठीक है, रिसीवर क्या डिटेक्ट करेगा, R0। ये फिर से आपने अगर M1 ट्रांसमिट किया और रिसीवर उसको किस फॉर्म में रिसीव करेगा, R1 डिटेक्ट करेगा, इसकी ये प्रोबेबिलिटी हमारी। तो ये जो प्रोबेबिलिटीज हमने लिखी हैं, इन प्रोबेबिलिटीज को हम कहते हैं ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज। ये क्या हमारी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज। ये हमारी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज हैं। तो अब यहां पर अगर हम देखें, अगर ये चीज आ रही है R0 M0, तो कोई बिट जब आप M0 भेज रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि उसको रिसीवर हमारा क्या डिटेक्ट करेगा, क्योंकि अगर चैनल में आपके नॉइज है तो वो M0 को R0 भी डिटेक्ट कर सकता है, जो करना चाहिए, अदरवाइज वो R1 भी डिटेक्ट कर सकता है, अगर नॉइज का उस पर इफेक्ट ऐसा हो गया कि वो अगर आउटपुट उसका चेंज हो जाए। तो अब यहां से आप दो और प्रोबेबिलिटीज क्या डिफाइन करते हैं, जैसे देखिए आपने क्या डिफाइन किया था, हमने अगर ऐसा लिखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ AI/B, याद कीजिए इसको, हमने कहा था इसको हम कहेंगे ए पोस्टीरियरी प्रोबेबिलिटी। AI क्या होना चाहिए, जिन इवेंट्स से मिलकर पूरा सैंपल स्पेस बना हुआ है, अगर उनमें से किसी एक पार्ट का हम इंटरसेक्शन देख रहे हैं किसी एक इवेंट B के साथ, मतलब आप क्या देख रहे हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर आप देख रहे हैं। ऐसे ही यहां पर अगर हम कहें कि हमारे पास प्रोबेबिलिटीज हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट M0/R0 और प्रोबेबिलिटी ऑफ M1/R0, इसको समझिए क्या है, ये हमने अभी ये देखा कि जो हमारा टोटल सैंपल स्पेस है, जैसे पहले हम मानते थे कि A1, A2, A3, A4, AN तक से मिलकर के बना हुआ पूरा सैंपल स्पेस, अब यहाँ पर सैंपल स्पेस आपका सिर्फ दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, जो सिग्नल आप ट्रांसमिट कर रहे हैं सोर्स आपका, या तो M1 या फिर M0। तो अगर हमने M0 के साथ अगर हम ये ले रहे हैं R0, मतलब अगर हम कहें कि रिसीवर ने जो बिट रिसीव की है अगर वो R0 है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो ट्रांसमिटेड बिट होगी वो क्या होगी, M0 होगी। मतलब हम ये क्या लिख रहे हैं, इफ, या हम लिखें फॉर अ रिसीव्ड सिग्नल R0 जब रिसीव हो चुका है, तो उस केस में ये जो दोनों प्रोबेबिलिटीज हैं, दैट इज जो ट्रांसमिटेड सिग्नल होगा वो क्या होगा M0, और जो ट्रांसमिटेड सिग्नल होगा वो क्या होगा M1, इन दोनों को हम क्या नाम देंगे, इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को हम क्या नाम देते हैं, इनको हम नाम देते हैं ए पोस्टीरियरी प्रोबेबिलिटीज। देखिए तो क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हो गई हमारे पास, सबसे पहले एक प्रायर प्रोबेबिलिटी है, मतलब हम जब सिग्नल को सेंड भी नहीं किया हमने, उस टाइम में सेंडर M0 सेंड करेगा या M1 सेंड करेगा, उसकी जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों सिग्नल से मिलकर के हमारा पूरा सैंपल स्पेस बना हुआ है, तो इन प्रोबेबिलिटीज को हमने क्या नाम दिया, प्रायर प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, अब ये जो प्रोबेबिलिटीज हैं, ये रिसीवर रिसीव कर चुका है बिट को, मतलब ट्रांसमिट तो पहले हो चुकी होगी बिट, तो जब रिसीवर ट्रांसमिट ऑलरेडी रिसीव कर चुका है, उसके केस में हम अगर ये प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर रहे हैं कि जो बिट हमें मिली है उसके करेस्पॉन्डिंग ट्रांसमिटेड बिट M0 होगी या M1 रही होगी, क्योंकि रही होगी कि हम बात कर रहे हैं, हम अब बाद की कंडीशन चेक कर रहे हैं, तो इन प्रोबेबिलिटीज को क्या नाम दिया आपने, ए पोस्टीरियरी प्रोबेबिलिटीज नाम दिया। और अगर सारी ए पोस्टीरियरी प्रोबेबिलिटीज को आप ऐड कर दें तो 1 होती है, ये भी वैल्यू आप जानते हैं, क्योंकि आपने देखा था कि अगर A1, A2, A3, A4 सबको सम कर दें तो क्या हो जाता है, हमारा सैंपल स्पेस आ जाता है।
तो उस पूरे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। तो यहां पर आपको यह भी पता होना चाहिए कि अगर सिर्फ दो ही सिंबल्स जनरेट कर रहा है रिसीवर, तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। ठीक है, तो ये हमने कुछ प्रोबेबिलिटीज को नाम लिख लिया, इन सब का नाम लिख लिया हमने। अब इनका हम कैसे यूज करेंगे, मान लीजिए हमारे पास, अब यहां से आप ये जो देखने जा रहे हैं दैट इज, इसको आप पढ़ सकते हैं इस फॉर्म में, मैप डिटेक्शन, मैप डिटेक्शन। तो यहां पर क्या है हमारे पास, अगर हम कह रहे हैं कि इफ द रिसीव्ड बिट इज आर नॉट, अगर हमने जो रिसीव किया है सिग्नल, अगर वो सिग्नल आर नॉट है, आप इसको कैसे पढ़ते, अगर ये आप लिखना चाहते तो क्या पढ़ते आप इसको, क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर आर नॉट रिसीव हुआ है तो सिग्नल ट्रांसमिटेड जो होगा वो एम नॉट रहा होगा, क्या प्रोबेबिलिटी है अगर आर नॉट रिसीव हुआ है तो जो ट्रांसमिटेड सिग्नल रहा होगा वो क्या रहा होगा, एम वन रहा होगा। तो अगर हम कहें कि इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज का मेजर हमें पता है, तो अगर यहां से अगर हम लिखें ऐसे, देखिए इसको जो हम लिख रहे हैं वो आप समझ रहे हैं इसको, इफ द ट्रांसमिटेड बिट, इफ द रिसीव्ड सिग्नल इज आर नॉट एंड, अगर हम लिखें कि जो प्रोबेबिलिटी है ए पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी दैट इज एम नॉट अपॉन आर नॉट, अगर ये वैल्यू हमारी ग्रेटर है प्रोबेबिलिटी ऑफ एम वन आर नॉट, हमने लिख दिया बिट रिसीव हो चुकी है आर नॉट, मतलब अब उस केस में अगर आर नॉट रिसीव हुआ है तो दो अगर पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज को देखें कि आर नॉट रिसीव्ड में एम नॉट सेंड हुआ था इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, या आर नॉट जब रिसीव किया आपने तो एम वन सेंड किया था उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अगर हम कहें कि आर नॉट जब जब रिसीव होता है उस केस में एम नॉट सेंड किया गया होगा, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, जब आर नॉट रिसीव हुआ है उस केस में हम ये माने कि एम वन हमारा ट्रांसमिट किया गया होगा, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आपका रिसीवर क्या करेगा, वो किसको क्या आइडेंटिफाई करेगा, देन सेलेक्टेड बिट देन ट्रांसमिटेड बिट, ट्रांसमिटेड मैसेज इज सेलेक्टेड एट, किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा लिखा आपने, एम नॉट। आपने क्या लिखा, अगर यहां आपने देखा, अगर आपने अगर ये लिख दिया कि अगर आर जीरो रिसीव हुआ है उसके केस में एम जीरो ट्रांसमिट हुआ होगा, अगर ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा है किससे, आर जीरो रिसेप्शन के केस में एम नॉट सेंड किया होगा इसकी प्रोबेबिलिटी से, तो आपका रिसीवर क्या लेना चाहिए डिसीजन कि जो ट्रांसमिटेड बिट रही होगी वो क्या रही होगी, एम जीरो रही होगी। इसी का आप अगर इक्वालिटी साइन को रिवर्स कर दें, अगर आप इधर लेस देन का साइन ले लें, अगर आप कहें कि एम नॉट अपॉन आर नॉट अगर ये छोटी है वैल्यू, तो फिर रिसीवर क्या डिसीजन लेगा कि अगर आर नॉट रिसीव हुआ है तो जो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी ज्यादा है उसी के फेवर में डिटेक्शन होगा हमारा। तो अगर ये आर नॉट के साथ एम वन के ट्रांसमिटेड होने की प्रोबेबिलिटी अगर कम है तो यहां हमने क्या लिया, मैसेज बिट क्या रही होगी, एम नॉट रही होगी। ऐसे ही आप इसको उल्टा भी लिख सकते थे। तो आप देखिए यहां पर अगर हम इस इक्वेशन के दोनों तरफ आर नॉट से हम मल्टीप्लाई कर दें, तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, पहले तो हमने इसको मैप डिटेक्शन क्यों कहा, हमने ये क्या हमारी ए पोस्टीरियरी प्रोबेबिलिटीज है। अब हमारे पास हमेशा जब भी आप बाइनरी सिमेट्रिक चैनल की जैसे आप अगर बात कर रहे हैं जहां पर आपके पास दो ही आउटपुट्स हैं, दो इनपुट्स हैं, तो ऐसे केस में अगर आपको पता चल गया है कि दो पोस्टीरियरी प्रोबेबिलिटीज क्या क्या है, इन दोनों ए पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज में जो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है उसी के फेवर में हमारा डिसीजन होगा, और जो आपका रिसीवर इस फॉर्म में, या फिर हम अगर कहें कि ऐसे ही अगर हम एक दूसरी कंडीशन लिख लें कि इफ, फिर से देखिए अब इसमें आप मेरे लिखने से पहले आप इसको कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने की, कि इफ द रिसीव्ड बिट, रिसीव्ड मैसेज इज आर वन, अगर रिसीव क्या हुआ है, आर वन रिसीव हुआ, तो दो पॉसिबिलिटीज क्या है, या तो एम नॉट ट्रांसमिट किया गया होगा या तो एम वन ट्रांसमिट किया गया, पॉसिबिलिटी तो हमेशा दो ही है। तो उस केस में, और आपको अगर ये पता है, अगर आपको ये पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एम जीरो आर वन इज लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एम वन आर वन, फिर से समझिए क्या लिखा हमने, ये तो दोनों में ही दिख रहा हमें कि आर वन तो हमें रिसीव हो चुका है, आर वन रिसीव हो चुका है, उस केस में अगर आर वन रिसीव होने के साथ एम नॉट ट्रांसमिट होने की प्रोबेबिलिटी अगर कम है किससे, आर वन रिसेप्शन के साथ एम वन ट्रांसमिट की गई होगी इसकी प्रोबेबिलिटी से, तो हम किसके फेवर में डिसीजन लेगा रिसीवर, जो प्रोबेबिलिटी आपको ज्यादा दिख रही है मतलब एम वन के फेवर में डिसीजन लेगा। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, देन ट्रांसमिटेड मैसेज, देन ट्रांसमिटेड मैसेज इज
सेलेक्टेड एज व्हाट M1। ये समझ रहे हमने M1 क्यों चुना और M0 क्यों चुना, एक बार इसको आप और देख लीजिए, तब तक मैं ये बोर्ड रब करता हूं। तो बस अब इस लेक्चर में हम एंड पर ही आ रहे हैं, इस एग्जांपल को हम करेंगे और आपके लिए पीडीएफ मिल जाएगा आपको, उसमें बेसिक प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हैं जो हम यहाँ पर उस फॉर्म में डील नहीं करना चाहते, इसलिए हम उसको असाइनमेंट के फॉर्म में आपको मिल जाएगी वो चीज़, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा तो प्रोबेबिलिटी के जो कॉन्सेप्ट होंगे वो आपके थोड़े अच्छे हो जाएंगे। और चलिए तो यहाँ से अगर हम इस इक्वेशन को मान लें कि अभी हमें ये पता चल रहा है कि हम जीरो के फेवर में कब लेंगे और वन के फेवर में डिसीजन कब लेंगे, तो अगर कोई रिसीवर है हमारा, रिसीवर विच इज डिजाइंड इन अकॉर्डेंस विथ सच एल्गोरिथम, ये जो हमने एल्गोरिथम की बात की, सच एल्गोरिथम इज सेड टू बी मैक्सिमाइज ए पोस्टेरियरी प्रोबेबिलिटी सेट टू मैक्सिमाइज ए पोस्टेरियरी प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो ये जो आपका टर्म आ रहा है कि ये जब हम इस एल्गोरिथम के बेस पर अगर आपका कोई रिसीवर लेता है अपना डिसीजन, तो ये जो आपको दिख रही है एम ए पी, इसी क्राइटेरिया को आप नाम देते हैं मैप डिटेक्शन क्राइटेरिया, कि अगर कोई रिसीवर इस एल्गोरिथम को फॉलो करता है टू मैक्सिमाइज ए पोस्टेरियर प्रायोरिटी इज कॉल्ड एज ऑप्टिमम रिसीवर। क्या नाम देंगे ऐसे रिसीवर को जो इस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग अगर हमारा डिसीजन लेता है कि अगर आर नॉट रिसीव हो चुकी है, उसके केस में अगर ए पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ एम नॉट ऑब्लिक आर नॉट अगर ये बड़ी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एम वन ऑब्लिक आर नॉट से, तो वो एम नॉट के फेवर में डिसीजन लेगा। इस एल्गोरिथम पर डिजाइन जो आपका रिसीवर होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं ऑप्टिमम रिसीवर। और डिटेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, मैक्सिमम ए पोस्टेरियरी प्रोबेबिलिटी, मतलब ये क्या हमारा, इसको हम शॉर्ट में क्या नाम देते हैं, मैप क्राइटेरिया। तो आपका जो रिसीवर मैप क्राइटेरिया को लेकर अपना आउटपुट डिसाइड करेगा उसको हम नाम देते हैं ऑप्टिमम रिसीवर। तो ये जो अभी हमने लिखा, अभी आपने ये लिख लिया है कि आर नॉट इज रिसीव्ड, आर नॉट इज रिसीव्ड देन एम नॉट इज सेलेक्टेड। कब एम नॉट सेलेक्ट होगा, अभी हमने लिखा एम नॉट तब सेलेक्ट होगा जब ये ए पोस्टेरियरी प्रोबेबिलिटी एम नॉट ऑब्लिक आर नॉट अगर ये बड़ी होगी किससे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम वन ऑब्लिक आर नॉट से, ठीक है ये चीज। अब अगर हम इसमें दोनों तरफ, क्योंकि देखिए हमारे पास जब हमें एग्जाम्पल आएंगे तो ये वैल्यूज नहीं गिवन होगी, ना आपको आर नॉट की प्रोबेबिलिटी गिवन होगी, तो अगर आप इसको एक बार मल्टीप्लाई कर लें दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी ऑफ आर नॉट से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं इनटू, यहां भी हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ आर नॉट से मल्टीप्लाई कर लिया, ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एम वन आर नॉट, यहां भी हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ आर नॉट से मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई क्यों किया, अब ये जो टर्म है ये क्या देगा हमें, हमें दिख रहा है जैसे हम लिखते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी और बी जब आपको कैंसिल आउट करते ऐसा दिख रहा अगर होता था, तो इस चीज को हम क्या कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम नॉट इंटरसेक्शन आर नॉट कह सकते हैं। और ये वैल्यू किसके बराबर होती है, आप जानते हैं कि अगर हम लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो आपने या तो इसको लिखा था कि हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, या फिर इसी को हम और क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऐसा लिख सकते हैं, इसको दोनों ही चीजें लिख सकते हैं हम। तो अगर ये फॉर्म हमारा लिखा हुआ है तो इस फॉर्म को हम अगर चेंज करना चाहें तो इसको चेंज करके हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज ए ऑब्लिक बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऐसा लिख सकते हैं आप। तो यही चीज अगर हम यहां अप्लाई कर दें, पहले तो हमने देख लिया कि अगर आर नॉट रिसीव हुआ है तो उसको एम नॉट हम कब डिटेक्ट करेंगे, अगर ये एपिस्टोडियल प्रोबेबिलिटी इस एपिस्टोडियल प्रोबेबिलिटी से बड़ी है, ठीक है ये चीज।
अब इसमें हमने दोनों तरफ आर नॉट से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये ऐसी चीज आ गई। ये चीज क्या बता रही है, यहां से हम देखकर समझा हमने कि ये चीज हमें किसकी प्रोबेबिलिटी देगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम नॉट इंटरसेक्शन आर नॉट की, और ये किसकी प्रोबेबिलिटी देगी एम वन इंटरसेक्शन आर नॉट की। तो हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज को यूज करके इसकी वैल्यू हमने दूसरे फॉर्म में लिख ली जो अभी हमने बात की। इसी चीज को हम और क्या लिख सकते थे, हम इसको लिख सकते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ आर नॉट एम नॉट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एम नॉट, और इट मस्ट बी ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ आर नॉट एम वन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एम वन, ऐसा लिख सकते हैं आप इसको। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अब ये आपका फाइनल यहां से कंडीशन है, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी विथ रिसीव्ड मैसेज आर नॉट, तो हम कहेंगे कि जो हमारा सेलेक्टेड मैसेज होगा कि हम क्या ट्रांसमिट किया गया होगा, तो हम उसको क्या चुनेंगे, बिट को एम नॉट चुनेंगे। तो ये कंडीशन आपकी है, ये दोनों चीजें जब ये चीज सेटिस्फाई होगी तो हम ये दोनों रिजल्ट्स लेंगे कि अगर आर नॉट रिसीव हुआ है और ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम क्या कहेंगे, सेलेक्टेड बिट क्या होगी हमारी, एम नॉट होगी। इसी में अगर इन्वर्स कर देते हम तो क्या हो जाता, हमारी सेलेक्टेड बिट क्या हो जाती, एम वन हो जाती। अगर ये इनइक्वालिटी दूसरी तरफ आ जाती, मतलब अगर ये चीज बड़ी होती, ये प्रोबेबिलिटी आपकी बड़ी होती, तो आप क्या कहते, सेलेक्टेड बिट क्या होगी हमारी, जो ट्रांसमिट किया होगा रिसीवर सेंडर ने, वो हम एम वन लेते। तो ये कंडीशन हमने जैसे देख लिया, ऐसे ही अभी जैसे हमने ये आर नॉट के रिसीव होने की कंडीशन में लिखा है, अगर ऐसे ही हम कंडीशन क्या लिखें, आर वन के रिसीव होने की कंडीशन में, तो ये जो चीजें थी एक बार फिर से आप यहां से देख लीजिए। अगर कुछ भी डाउट्स हैं आपको, ये बस देखना है। सबसे पहले हमने ये कहा कि हमारे पास कोई एक ट्रांसमीटर है जो दो ही सिंबल्स एमिट कर सकता है, या तो एम नॉट या एम वन, वो डिसाइड होगा जीरो के लिए एम नॉट और वन के लिए एम वन रिसीव, ये सेंड करेगा, ठीक है। जिसकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को आपने नाम दिया, ये क्या है, ए प्रायर प्रोबेबिलिटीज हैं, ट्रांसमिट होने की पहले की प्रोबेबिलिटीज हैं कि एम वन ट्रांसमिट होगा इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, एम नॉट ट्रांसमिट होगा इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये आपकी प्रायर प्रोबेबिलिटीज है। और क्योंकि इन्हीं दोनों इवेंट से मिलकर के पूरा आपका सैंपल स्पेस बना हुआ है, इसलिए भी आप याद रखेंगे कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ए प्रायर प्रोबेबिलिटीज को रिप्रेजेंट कर रही है। इसके बाद सेकंड क्या लिखी हमने, ये हमने लिखी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज, कि हमने ट्रांसमिट एम नॉट किया तो रिसीव आर नॉट भी हो सकता है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, एम नॉट के लिए आर वन डिटेक्ट होगा इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, एम वन के लिए आर नॉट, एम वन के लिए आर वन, इनको हमने नाम दिया ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज। और फिर हमने कहा कि अगर हमें रिसीव्ड बिट पता है कि आर नॉट है, तो उसके केस में आर नॉट रिसीव हुआ तो एम नॉट ट्रांसमिट किया गया होगा इसकी क्या प्रोबेबिलिटी रही होगी, या आर नॉट रिसीव हुआ तो एम वन ट्रांसमिट किया गया होगा इसकी क्या प्रोबेबिलिटी रही होगी। तो आपको देखकर समझ में आ रहा है ये फिर से एम नॉट और एम वन क्या है, जिनसे मिलकर पूरा सैंपल स्पेस बना हुआ है, तो इन्हीं को आप क्या नाम देते हैं, ए पोस्टेरियोरी प्रोबेबिलिटीज। ये क्या है आपकी, ए पोस्टेरियोरी प्रोबेबिलिटीज है। और फिर आपने यहां पर देखा कि हमें अगर आर नॉट रिसीव हो चुका है तो हम एम के, एम नॉट के फेवर में डिसीजन कब लेंगे, जब ये ए पोस्टेरियोरी प्रोबेबिलिटी बड़ी होगी एम वन ऑब्लिक आर नॉट से, तो हम डिसीजन लेंगे एम नॉट के फेवर में। अगर ये प्रोबेबिलिटी का साइन अपोजिट होता तो हम फेवर किसके फेवर में डिसीजन लेते, एम वन के फेवर में लेते। ऐसे ही हमने लिखा कि अगर आर वन ट्रांसमिट किया गया, आर वन रिसीव हुआ है, तो उसके केस में एम नॉट आर वन अगर बड़ा होगा तो एम नॉट डिसाइड करेगा, अगर ये छोटा है हमारे एम वन आर वन से तो डिसाइड क्या करेगा, एम वन डिसाइड करेगा। मतलब रिसीव्ड बिट को वो क्या समझेगा कि हम क्या लेना है, ट्रांसमिटेड बिट क्या रही होगी, एम वन रही होगी। हमने उसी में दोनों तरफ ये जो इक्वेशन हमने लिखी है, दोनों तरफ हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ आर नॉट से मल्टीप्लाई कर लिया और उस रिलेशन को हमने एक अलग फॉर्म में लिख लिया, तो ये हमारे पास फाइनल डिसीजन लेने की कंडीशन आ गई कि अगर ये पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी और इसका मल्टीप्लीकेशन विद एम नॉट बड़ा होगा तो आप क्या लेंगे डिसीजन, एम नॉट के फेवर में डिसीजन लेंगे, और अगर ये कंडीशन रिवर्स होगी तो हम एम वन के फेवर में डिसीजन लेंगे। जो रिसीवर इस एल्गोरिथम को फॉलो करेगा उस रिसीवर को आप क्या नाम देते हैं, ऑप्टिमम रिसीवर। और ये जो एल्गोरिथम है ये किस पर बेस्ड है, मैक्सिमम ए पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी पर, जो ए पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है उसी के अकॉर्डिंग हम फेवर में डिसीजन ले रहे हैं। अगर ये M1, M0 वाली चीज बड़ी है तो डिसीजन किसके फेवर में हो रहा है, M0 के फेवर में हो रहा है। अगर ये M1 वाली प्रोबेबिलिटी बड़ी होगी पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी तो किसके फेवर में डिसीजन होगा, M1 के फेवर में डिसीजन होगा। तो अब इसको हम बाकी जो दो और केसेस हो सकते हैं उनके लिए लिख लेते हैं, फिर एक एग्जाम्पल लेकर हम इस लेक्चर को एंड करेंगे। तो देखिए, याद आपको नहीं रखना पड़ेगा अगर आप मीनिंग समझेंगे चीजों का। चलिए, तो हम यहां से दो कंडीशंस लिखी हमने, हम पहले ये लिख रहे हैं इफ आर नॉट इज रिसीव्ड,
ठीक है। और यहां पर हम कंडीशन लिख लेते हैं, इफ आर वन इज रिसीव्ड। अब मैं यहां कुछ कंडीशंस लिखता हूं और उनके लिए आप बताइएगा कि हम सेलेक्ट कौन सी बिट करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपने सही गेस कर लिया मतलब आप सही। तो पहले हमने लिखा कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ वही चीजें वही स्टेप्स मैं बस यहां पर लिख रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं इसको, इसलिए यहां पर कुछ एक बार पहले मैं लिख लूं फिर आप बताएंगे इसमें से क्या होना चाहिए कंडीशन। ठीक है, अब बताइए, ये कंडीशन तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये दोनों क्या है, ए पोस्टीरियरी प्रोबेबिलिटीज है। कैसे ध्यान रखना है, आपको जो पहले चीज लिखी हुई दिख रही है इन्हीं से मिलकर हमारा सैंपल स्पेस बना होना चाहिए। तो एम जीरो एम वन ये क्या हमारे दोनों मिलाकर सैंपल स्पेस बना रहे हैं। तो अगर ये ए पोस्टीरियरी प्रोबेबिलिटी बड़ी है, हमने रिसीव कौन सी बिट की है, आर नॉट, दोनों जगह आर नॉट है, तो जिसके फेवर में जो बड़ा है उसी के फेवर में डिसीजन होगा। तो इसी चीज को आपने क्या लिखा, पहले आर नॉट दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एम नॉट इंटरसेक्शन आर नॉट होता है, ये पूरी चीज उसी को हमने दूसरे फॉर्म में इस फॉर्म में लिख लिया, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटीज आपको गिवन होंगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एम नॉट ये प्रायर प्रोबेबिलिटी है, ये क्या हमारी प्रोबेबिलिटी, ये आपकी जैसे आपने इसको कहा कि ए पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, ये आपकी लाइकलीहुड है, ये चीज भी आपने देख रखी है, ये आपकी क्या कहलाती है, लाइकलीहुड कहलाती है, ये आपकी प्रायर प्रोबेबिलिटी है, ये क्या आपकी, ये आपकी ए पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी है। तो अगर ये चीज ये रिलेशन अगर सेटिस्फाई होता है तो आप रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर टेक्स डिसीजन इन फेवर ऑफ एम नॉट, क्या लेगा, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी, ये हमारी एपोस्टेडियर प्रायोरिटी बड़ी थी, तो किसके फेवर में डिसीजन होगा, एम नॉट के फेवर में डिसीजन होगा। ऐसे ही अगर हमने कहा कि रिसीव्ड बिट हमारी आर वन है, तो दो पोस्ट एपोस्टेडियर प्रायोरिटी क्या की हमने, आर वन रिसीव हुआ तो एम नॉट ट्रांसमिट किया गया होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, और R1 रिसीव हुआ तो M1 ट्रांसमिट किया गया होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। बड़ी जो प्रोबेबिलिटी दिखी उसी के फेवर में डिसीजन होना है। यहां से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इसको फिर से अगर आप दोनों तरफ R1 से मल्टीप्लाई कर देते कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फिर से आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ M0 इंटरसेक्शन R1 दे रही है, ये चीज आपको M1 इंटरसेक्शन R1 दे रही है। इसको आप दूसरे फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी आप दूसरे फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है और अगर रिसीव्ड बिट आपकी R1 थी, तो आप इस केस में क्या कहेंगे कि रिसीवर हमारा किसके फेवर में डिसीजन लेगा, रिसीवर टेक्स डिसीजन इन द फेवर ऑफ M1। R1 रिसीव किया गया है तो M1 के फेवर में रिसीव होने, M1 के फेवर में डिसीजन होने की कंडीशन क्या है, ये चीज सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर M0 R0 हमारा रिसीव हुआ और डिसीजन हमारा M0 के फेवर में हो, उसके लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब बोलेंगे इसको क्यों देख रहे हैं, यहीं पर क्यों नहीं कर लेते, क्योंकि ये चीज गिवन नहीं होगी, गिवन नहीं होगी तो हम नहीं कर सकते। इसलिए आपने पढ़ा था कि एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, हमने पहले ही क्लास में ये बात की थी कि एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी को यूज करके आप जो अननोन प्रोबेबिलिटीज है उनको आप फाइंड करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग आप आगे प्रोसीड करते हैं। तो अब जैसे एक एग्जाम्पल हम ले लें, सपोज आपके पास एक एग्जाम्पल है बाइनरी सिमेट्रिक चैनल का,
कि ये आपके पास एक बाइनरी सिमेट्रिक चैनल है जिसमें सोर्स हमारे दो मैसेजेस अगर ये ट्रांसमिट कर सकता है, ये जनरेट कर रहा है दो ही टाइप के मैसेज। अगर मान लीजिए हमने इसको नाम दे दिया है एम नॉट और एम वन, और रिसीव्ड एंड पर भी दो ही फॉर्म में डिटेक्शन हो सकता है। सपोज ये हमारा आर नॉट और ये है आर वन। अब जो प्रोबेबिलिटीज आपको गिवन है, अगर आपको ये गिवन है कि इस एम नॉट के ट्रांसमिट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी, ये आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एम नॉट गिवन है, ठीक है, ये गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एम वन भी आपको गिवन है, ठीक है। सपोज हमने मान लिया लेट इट इज 0.3 और ये हम मान लेते हैं 0.7, ऐसा कुछ भी हमने मान लिया। तो अब क्योंकि ये दो ही सिंबल्स अगर जनरेट कर रहा है, तो अगर एक सिंबल 0.3 है, सैंपल स्पेस आपका इन्हीं दोनों से मिलकर बनता है, तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है तो डेफिनेटली इसकी क्या होगी, 0.7 होगी। अब अगर एम नॉट बिट ट्रांसमिट हो और वो बिट रिसीव्ड आर नॉट के फॉर्म में हो, इस प्रोबेबिलिटी को आप क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी आर नॉट एम नॉट। क्या हुआ इसका मतलब कि अगर हमने बिट ट्रांसमिट की थी एम नॉट और उसको रिसीवर अगर हम देखें तो रिसीवर किसके कहां पर रिसीव हो, वो आर नॉट के फॉर्म में रिसीव हो। ऐसे ही आपके पास ये अगर हम वैल्यूज देख लें तो आप यहां जो हमारी प्रोबेबिलिटी है ये क्या बता रहे हैं कि एम वन मैसेज आर वन डिटेक्शन, तो ये हमारा इसको क्या लिखेंगे हम, पी आर वन एम वन। ये क्या हमारा अगर इसके लिए लिखेंगे तो ये क्या हमें शो कर रहा है, प्रोबेबिलिटी हम ट्रांसमिट क्या कर रहे हैं एम वन और रिसीव किस फॉर्म में हो, आर नॉट, तो आर नॉट एम वन। और ये क्या है हमारी प्रोबेबिलिटी, इट इज हम क्या ट्रांसमिट कर रहे हैं एम नॉट और रिसीव किस फॉर्म में हो रहा है, आर वन। तो अगर हम इसको देखें तो क्या होगा, ये आर वन एम नॉट। तो ये प्रोबेबिलिटीज आपको गिवन होंगी। आपको अगर सपोज यहां पर गिवन है कि अगर हमने ले लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ एम नॉट, अभी हमने ले लिया इसको 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम वन ये वैल्यू अगर आपको गिवन है 0.7, ठीक है। अगर हम लिखें प्रोबेबिलिटी ऑफ आर नॉट एम नॉट, अगर ये वैल्यू आपको गिवन है 0.9, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ये अगर हम देखें आर वन एम नॉट, ये अगर हमारे पास है गिवन 0.1। नेक्स्ट अगर हम ले लें और प्रोबेबिलिटीज, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ आर वन एम वन, अगर ये प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है 0.6, और अगर आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है आर नॉट एम वन, अगर ये प्रोबेबिलिटी गिवन है आपको 0.4। अगर ये सारी चीज़ें आपको गिवन है तो आपको देखना है कि रिसीवर हमारा किस फेवर में कब डिसीजन लेगा। अगर हम कहें कि अगर हमें ये देखना है, क्वेश्चन हमारा ये है कि आर नॉट इज रिसीव्ड देन डिसीजन टेकन बाय द रिसीवर, टेकन बाय रिसीवर, किसके फेवर में रिसीवर हमारा डिसीजन लेगा। तो अगर हम आर नॉट हम अगर भेज रहे हैं तो हम कैसे चेक करते हैं, अगर आर नॉट हमने रिसीव कर लिया है तो हमें क्या चेक करना है, दो प्रोबेबिलिटीज कि अगर हम देखें, हमने सबसे पहले जो स्टेटमेंट लिखा था वो हमने ये लिखा था कि अगर हम आर नॉट रिसीव कर रहे हैं तो आर नॉट रिसीव किया एम नॉट भेजा होगा, ये एपिसोडियल प्रोबेबिलिटी अगर हम चेक करते हैं किससे, कंपैरिजन इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ एम वन आर नॉट से। अगर हम लिखते थे कि ये बिट अगर ये प्रोबेबिलिटी बड़ी होगी तो डिसीजन एम नॉट के फेवर में होगा, ये प्रोबेबिलिटी बड़ी होगी तो एम वन के फेवर में होगा, और इसी को आपने कन्वर्ट करके लिख लिया था ऐसा कि अगर हम इनकी जगह पर क्या कैलकुलेट कर लें, अगर हम इनकी जगह पर ये कैलकुलेट कर लें प्रोबेबिलिटी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये देखिए आपने जो लिखा है दैट इज आर नॉट एम नॉट इनटू प्रोबेबिलिटी एम नॉट। एक बार आप ये फाइंड कर लीजिए और एक बार आप फाइंड कर लीजिए प्रोबेबिलिटी आर नॉट एम वन इनटू प्रोबेबिलिटी एम वन। इन दोनों में से जो चीज बड़ी होगी, अगर हम कहें कि ये हमारी चीज बड़ी आ रही है तो रिसीवर किसके फेवर में लेगा डिसीजन, एम नॉट के फेवर में। अगर ये चीज बड़ी आ रही है तो किसके फेवर में लेगा, एम वन के फेवर में। यही आपने स्टेटमेंट में अभी लिखा है। तो अगर हम इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो आर नॉट अपॉन एन नॉट, इसकी वैल्यू आपको गिवन दैट इज व्हाट 0.9, इसकी वैल्यू है 0.9 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एम नॉट, एम नॉट की वैल्यू कितनी है 0.3, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 0.27। इस प्रोबेबिलिटी को हमने देखा आर नॉट एम वन, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है दैट इज आर नॉट एम वन इज 0.4 इनटू प्रोबेबिलिटी, ये जो हम ले रहे हैं एम वन की प्रोबेबिलिटी, एम वन की प्रोबेबिलिटी है आपकी
0.7। तो अगर हम देखें तो ये वैल्यू ठीक है, इसको हम अगर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, से फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी अगर हम इसको 0.7 और इसको 0.4 ले ले, तो उस केस में क्या होगी वैल्यू, यहां पर क्या हमारा 0.7 है, तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी, 0.63 मिलेगी। और यहां पर अगर वैल्यू हम 3 ले लें तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी, 0.12 मिलेगी। तो अगर आप यहां देखें तो क्या मिल रही है हमें, ये चीज, ये जो चीज है ये बड़ी है, मतलब अगर हम रिसीव्ड बिट हमारी आर नॉट है तो उसके कंडीशन में अगर ये चीज बड़ी आ रही है प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, तो हम क्या कहेंगे, रिसीवर क्या डिसाइड करेगा, डिसाइड्स एम नॉट। रिसीवर क्या डिसीजन लेगा कि जो ट्रांसमिटेड बिट रही होगी वो क्या रही होगी, एम नॉट रही होगी। ऐसे ही अगर आप ये कहें कि आर वन हमने रिसीव किया, अगर सेम में हम अगर लेते कि आर नॉट आर वन इज रिसीव्ड, आर वन रिसीव हुआ है, देन उस केस में फिर से हम क्या प्रोबेबिलिटी देखते, हम प्रोबेबिलिटी देखते आर वन अपॉन एम नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी एम नॉट। एक ये प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हम, और दूसरी हम आर वन एम वन इंटू प्रोबेबिलिटी एम वन निकालते हैं। ये समझ रहे हैं चीज, यही स्टेटमेंट में हमने लिखा है। तो अगर हम इन दोनों प्रोबेबिलिटीज में देख लें कि कौन सी प्रोबेबिलिटी बड़ी है, अगर हम क्या लेते हैं यहां पर, दैट इज आर वन एम नॉट, क्या वैल्यू गिवन आपको, आर वन एम नॉट की वैल्यू है 0.1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एम नॉट की वैल्यू है 0.7, मतलब ये वैल्यू कितनी आई, 0.07। और यहां हमने निकाला आर वन एम वन, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एम वन आपको गिवन है दैट इज 0.4। तो ये वैल्यू कितनी मिली, आर वन एम वन ये हमें 0.6 गिवन है और प्रोबेबिलिटी एम वन की हमें गिवन है 0.4, तो ये वैल्यू मिली हमें 0.24। तो आपको क्या दिख रहा है, ये चीज बड़ी है। तो अगर ये बड़ी है तो आपको पता है ये किसके फेवर में डिसीजन लेगा, एम वन के फेवर में डिसीजन लेगा। तो इसलिए यहां से क्या मिला कि अगर R1 रिसीव होगा तो किसके फेवर में डिसीजन होगा, सिलेक्टेड, जो हमारा डिसीजन होगा वो किसके फेवर में होगा, डिसीजन सिलेक्टेड सेंडेड ट्रांसमिटेड बिट वॉज M1। तो ये चीज है हमारी, इसको हम कहते हैं मैप डिटेक्टिंग डिटेक्शन, और ये किस पर बेस्ड है, मैक्सिमम एपोस्टोडियरिक प्रोबेबिलिटीज पर बेस्ड है। जो आपकी एपोस्टोडियरिक प्रोबेबिलिटी बड़ी होगी, रिसीवर उसी के फेवर में डिसीजन लेगा। अब इसी में अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर की बात कर ले, बस ये लास्ट हमारा यहां पर है कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर देखना है या प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट डिटेक्शन देखना है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हैं। अगर आपको देखना है कि आपने जो डिसीजन लिया है आपके मैप रिसीवर ने, वो उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसका डिसीजन करेक्ट होगा या क्या प्रोबेबिलिटी है उसका डिसीजन रॉन्ग होगा। यहां पर एक और पॉइंट आप क्या नोट कर सकते हैं, यहां पर एक और पॉइंट आप ये नोट कर सकते हैं कि इफ देयर इज सो मच डिफरेंस बिटवीन प्रोबेबिलिटीज ऑफ एम नॉट एंड एम वन, देन इट मे बी पॉसिबल, इट मे पॉसिबल दैट रिसीवर ऑलवेज डिसाइड इन फेवर ऑफ एनी वन। मतलब अगर आपकी दोनों प्रोबेबिलिटीज में, जैसे यहां पर जो हमने प्रोबेबिलिटीज ली हैं, M0 के ट्रांसमिट होने की प्रोबेबिलिटी 0.7 और M1 की प्रोबेबिलिटी 0.4, ये दोनों कंपेरेबल है। अगर हम इनमें से एक प्रोबेबिलिटी को क्या मान लेते, अगर हम मान लेते कि लेट P M0 अगर ये 0.9 होता और अगर P M1 अगर ये 0.1 होता, तो उस केस में अगर आपने रिसीव किया बिट की है, अगर हम कहें कि उस केस में हमारे पास रिसीव्ड बिट है R0, तो इस केस में दो एपोस्टोडियरी प्रोबेबिलिटी जो आप देखते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी या तो आप पहला स्टेटमेंट लिखे उसको कन्वर्ट करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आती है एम नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी एम नॉट, और प्रोबेबिलिटी आर नॉट एम वन प्रोबेबिलिटी एम वन, इन दोनों को देखें अगर हम, तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें, अगर हम यहां से देखें तो आर नॉट अपॉन एन नॉट, ये बाकी सारी वैल्यूज हमको चेंज नहीं कर, हमने सिर्फ ये प्रायर प्रोबेबिलिटीज हमने बस चेंज की है। तो उस केस में आपको ये जो वैल्यू दिख रही है आर नॉट अपॉन एम नॉट, ये वैल्यू कितनी है, 0.9।
इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एम नॉट, ये एम नॉट की प्रोबेबिलिटी हमने कितनी ले ली है 0.9, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 0.81, और यहां कितनी वैल्यू है आर नॉट एम वन, ये प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है आर नॉट एम वन की प्रोबेबिलिटी ये गिवन है आपको 0.4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एम वन आपने ले लिया 0.1, तो ये वैल्यू कितनी आई 0.04। तो आपको दिख रहा है कि ये प्रोबेबिलिटी क्या है, बड़ी है, मतलब अगर आर नॉट ट्रांसमिट अगर रिसीव्ड हुआ तो उस केस में डिसीजन किसके फेवर में होगा, डिसीजन किसके फेवर में है एम नॉट के फेवर में, क्योंकि ये आपको चीज दिख रही है बड़ी मिल गई। अब अगर यहीं पर इसी के साथ हम अगर केस कंसिडर करें कि रिसीव्ड बिट अगर हमारी आर वन होती तो हम क्या प्रोबेबिलिटी चेक करते, आर वन अगर है तो हम ये प्रोबेबिलिटी चेक करते आर वन एम नॉट, प्रोबेबिलिटी एम नॉट, और दूसरा आर वन एम वन प्रोबेबिलिटी एम वन। अब इस केस में देखिए क्या वैल्यू आ रही है आर वन एम नॉट, इसकी आपको गिवन है प्रोबेबिलिटी 0.1, आर वन एम नॉट इज 0.1, तो ये 0.1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एम नॉट आपने ले लिया है 0.9, और यहां से आर वन एम वन इसकी प्रोबेबिलिटी है आपकी 0.6 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एम वन इज 0.1। तो अगर आप यहां से देखें तो क्या वैल्यू मिली आपको 0.09, और यहां से क्या वैल्यू मिली आपको 0.06। अभी भी क्या बड़ा है, ये बड़ा है, इसका मतलब आप अगर आर वन भी आपने रिसीव किया तो भी किसके फेवर में डिसीजन होगा, डिसीजन किसके फेवर में हो रहा है, यहां भी डिसीजन किसके फेवर में हो रहा है, अभी भी एम नॉट के फेवर में हो रहा है। तो अगर आपके एम नॉट और एम वन की प्रोबेबिलिटीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो हो सकता है कि रिसीवर इररिस्पेक्टिव ऑफ ट्रांसमिटेड बिट कुछ भी रही हो, रिसीव्ड बिट कुछ भी रही, मतलब आए, हमेशा वो किसी एक के ही फेवर में डिसीजन ले सकता है। तो इसलिए आपके जब ये ऐसा अगर रिसेप्शन हो रहा है तो इसका मतलब वहां पर एरर आएगी, मतलब आपने कुछ और भेजा होगा, अलग अलग आप भेज रहे हैं और हर बार एक ही चीज डिटेक्ट हो रही है तो एरर तो आएगी। तो अगर आपको ऐसे केसेस में एरर डिफाइन करना हो तो पहले आप अगर देखें इसके केस में, अगर हम पहले देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट डिटेक्शन की अगर आप प्रोबेबिलिटी देखेंगे, मतलब अगर हम कहें कि हमने जो डिसीजन लिया है, जो रिसीवर ने डिसीजन लिया है वो डिसीजन करेक्ट है, तो डिसीजन करेक्ट कब हो सकता है, अगर हम देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट डिसीजन, मान लीजिए हम इसको पीसी से नाम दे रहे हैं, तो करेक्ट तब होगा जब आप ट्रांसमिट वन करें और रिसीव्ड भी उसको किस फॉर्म में किया जाए, वन के फॉर्म में किया जाए, या आप ट्रांसमिट जीरो करें और उसको रिसीव्ड भी किसके फॉर्म में किया जाए, वन के फॉर्म में किया जाए। तो ये जो वैल्यू होगी पी सी करेक्ट वैल्यू, ये कैसे मिलेगी कि प्रोबेबिलिटी किसकी, अगर हम एम नॉट ट्रांसमिट कर रहे हैं तो आर नॉट रिसीव हो, ठीक है, और प्लस प्रोबेबिलिटी दैट इज अगर हम एम वन ट्रांसमिट कर रहे हैं तो क्या रिसीव हो, आर वन रिसीव हो, तो आर वन एम वन, ये ठीक है। तो अगर हम देखें ये वैल्यू जो आ रही है हमारी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ आर नॉट एम नॉट, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम ये चीज हमें क्या बता रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हमने ट्रांसमिट किया है एम नॉट और रिसीव क्या हो आर नॉट, इनटू हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमने बिट जो ट्रांसमिट किया अगर एम नॉट ट्रांसमिट किया तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, तो उसके साथ हमें और क्या लिखना पड़ेगा, इनटू पी एम नॉट, और प्लस अगर हमने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ आर वन, प्रोबेबिलिटी आर वन एम वन इनटू प्रोबेबिलिटी एम वन, ये समझ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी एम नॉट मतलब बिट हम जो ट्रांसमिट करेंगे वो क्या बिट हो हमारी, एम नॉट बिट हो, और ये क्या बता रहा है कि अगर एम नॉट ट्रांसमिट किया तो रिसेप्ट वो उसका किस फॉर्म में रिसेप्शन हो, आर नॉट के फॉर्म में, तो ये करेक्ट रिसेप्शन है क्योंकि हमने डिफाइन यही किया था कि एम नॉट के करेस्पॉन्डिंग जो रिसीवर में सिग्नल जनरेट होगा वो क्या होना चाहिए, विदाउट नॉइज आर नॉट होना चाहिए। ऐसे ही एम वन के रिसेप्शन में रिसीवर एंड पर क्या जनरेट होना चाहिए, सिग्नल आर वन जनरेट होना चाहिए। तो ये टोटल आपको क्या देगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट डिटेक्शन की आपको प्रोबेबिलिटी देगी। अगर इस पर्टिकुलर केस में हम इस वैल्यू को देखें तो इस वैल्यू की क्या होगी, वैल्यू आर नॉट अपॉन एम नॉट, ये जो रिलेशन से आपको गिवन है इट इज 0.9 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एम नॉट, जो प्रीवियस केस था, इस केस को तो हमने बस देखने के लिए लिया था, प्रीवियस केस में ये वैल्यू है 0.7, और प्लस यहां से आर वन एम वन की आपको गिवन है प्रोबेबिलिटी 0.6 इंटू पी एम वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम वन इज 0.4। तो अगर आप देखें तो क्या वैल्यू आई, 0.9 इंटू 0.7 दैट इज 0.63 एंड प्लस 0.6 इंटू 0.4 दैट इज 0.24। तो ये ओवरऑल क्या वैल्यू आ गई,
0.87, ठीक है, ये 0.87 इतनी प्रोबेबिलिटी है कि इस एल्गोरिथम से जो आपने रिसीवर डिजाइन किया है वो 0.87 प्रोबेबिलिटी है, मतलब 100 टाइम्स में से 87 टाइम्स आपका रिसीवर जो डिसीजन लेगा वो कैसा होगा, करेक्ट होगा, जो किस पर बेस्ड है, मैक्सिमम ए पोस्टीरियरी प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड आपका एल्गोरिथम है जिसको आपने नाम दिया ऑप्टिमम रिसीवर। तो ये आपकी करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी अगर हो गई तो यहीं से आप एरर भी डिफाइन कर सकते थे। तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। तो एरर की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाती है यहां से, दैट इज अगर हम PE कहें, दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग करेक्ट, दैट इज 1 माइनस 0.87, तो ये क्या वैल्यू आ गई, 0.13, इतनी प्रोबेबिलिटी है किसकी, एरर आने की। तो देखिए अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, अभी हमने सिर्फ डिफाइन किया प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स को पहले, फिर हमने कुछ एग्जाम्स देख लिए, फिर हमने देखा कि उन एग्जाम्स को कैसे हम यूज करते हैं रियल लाइफ के लिए, और फिर हमने ज्वाइंट अकरेंस की प्रोबेबिलिटी या फिर हमने कहा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उस इन दोनों चीजों को हमने डिफाइन किया। तो आपने ये देखा कि ये दो पॉसिबल केसेस में हो सकता है, या तो क्या हो, आप दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करें, या फिर क्या हो सकता है, एक ही एक्सपेरिमेंट के दो अलग अलग इवेंट्स को आप देख रहे हैं कि एक इवेंट हो चुका है तो दूसरे के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आपने दोनों के लिए रिजल्ट जो लिखे हैं, एक फाइनल मैं, आप चाहें तो इसको लिख, तो क्योंकि हर जगह लिखा ही आपने तो अब मुझे अलग से टेबल बनवाने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा हाईलाइट कर लीजिएगा, जैसे इन पॉइंट्स को हाईलाइट कर लीजिएगा जो मैंने बॉक्स में लिखे हैं आपको। तो ये चीजें, अब जैसे हमने सिर्फ इसके लिए लिखा कि ये किसके फेवर में डिसीजन होगा, M1 के फेवर में, तो M0 के लिए आपको पता है, अगर ये इक्वालिटी आप रिवर्स कर देंगे इनइक्वालिटी को तो किसके फेवर में डिसीजन होगा, M0 के फेवर में होगा। ऐसे ही यहां पर हमने लिखा M0 के फेवर में डिसीजन तब होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो M1 के फेवर में कब होगा, अगर ये चीज हमारी ये वैल्यू अगर बड़ी हो जाए। तो जो मेन चीजें आपको जो ध्यान रखनी है पर्टिकुलरली, वो सिर्फ आप ये ध्यान रखिएगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दूसरी चीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, या तो आप लिखें ए बी प्रोबेबिलिटी बी, या फिर आप लिखें प्रोबेबिलिटी बी ए प्रोबेबिलिटी ए, ठीक है, दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज, यहीं से आप अगर प्रोबेबिलिटी ए बाई बी को अगर लिखना चाहते तो एक और फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ए बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी बी ए प्रोबेबिलिटी ए अपॉन प्रोबेबिलिटी बी। ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, और इसी में बेस थ्योरम अप्लाई करके आप इस वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं। डिपेंड क्या करता है कि जो इवेंट्स आप ले रहे हैं इस बी की टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए जो आप लिखते हैं, वो सभी इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स होने चाहिए, तो फिर आप इस चीज को लिख सकते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में। और इसके साथ ए पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी कैसे समझेंगे, जब आप किसी इवेंट की वैल्यू लिख रहे हैं, जैसे यहां पर आपने लिखा है कि जो ए पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी आपने डिफाइन किया, वो क्या डिफाइन किया आपने, जब ये एम नॉट वाला टर्म ऊपर होना चाहिए, जिससे मिलकर के आपका सैंपल स्पेस बना है, जिससे मिलकर आपका सैंपल स्पेस बना हुआ है, वो वैल्यू अगर पहले आपको दिख रही है, जैसे आप अगर किसको देख लें, यहां पर हमने तो नहीं लिखा, यहां इधर आपको दिख रही है चीज, जैसे ये जो आपको प्रोबेबिलिटी दिख रही है एम नॉट आर वन, मतलब हम ये जो चीज जो पहले लिखी हुई है इनसे मिलकर के हमारे सैंपल स्पेस अगर बने हुए हैं, तो इस प्रोबेबिलिटी को आप क्या कहेंगे, क्या हमारी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। मतलब क्या है उसका, कि एक तो हमने प्रायर प्रोबेबिलिटी कहा सिर्फ पी एम नॉट, मतलब ट्रांसमिशन की क्या प्रोबेबिलिटी है, जब तक वो भी ट्रांसमिट भी नहीं हुई है तब तक हमारा जो ट्रांसमीटर है वो एम नॉट सिग्नल जनरेट करेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आपने उसको कहा प्रायर प्रोबेबिलिटी। और यहां हम लिख रहे हैं ए पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये तब है, ये प्रोबेबिलिटी हम तब देख रहे हैं एम नॉट की प्रोबेबिलिटी, जब ये जनरेट तो बहुत पहले हो चुका है, जब रिसीव्ड हम बिट कर चुके हैं आर वन, उस केस में हम देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी एम वन रही होगी बिट, हम बाद में प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं, तो इसलिए आपने इसको क्या नाम दिया, ए पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी नाम दिया। लाइकलीहुड्स मतलब ये जो भी आप सभी देख रहे हैं ये क्या है, हमारे लाइकलीहुड्स हैं, आर वन अपॉन एम नॉट है ये, एम वन एम नॉट अगर बाद में लिया हमने तो ये लाइकलीहुड्स हैं। आपने प्रायर प्रोबेबिलिटी देख ली, ए पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी देख ली और लाइकलीहुड्स देख लिया। तो ए पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी के बड़े होने के करस्पॉन्डिंग अगर कोई रिसीवर आपका डिटेक्शन लेता है, तो ऐसे रिसीवर को आप ऑप्टिमम रिसीवर कहते हैं, और इस डिटेक्शन टेक्निक को आप मैप डिटेक्शन क्राइटेरिया कहते हैं। तो इसको आगे हम बार बार, आगे हम जब नॉइज इन डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़ेंगे तो वहां पर इन कॉन्सेप्ट्स को हम यूज करेंगे। तो अब अभी तक हमने ये कर लिया, इसके बाद जो मैं आपको शीट दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, उस शीट को करने के बाद आप प्रोबेबिलिटी में कंफर्टेबल हो जाएंगे, उसके जो भी डाउट्स हों उसको हम ग्रुप में ही डिस्कस करेंगे, उसको हम यहाँ वीडियोज में डिस्कस नहीं करेंगे। और अब इसके बाद से
हम अपना टॉपिक शुरू कर सकते हैं रैंडम वेरिएबल्स, और जो रिक्वायरमेंट्स होंगी उनको हम वहीं पर डिस्कस करेंगे। तो आपको, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, तो मैंने आपको कल मैसेज भी किया था, क्योंकि ये लेक्चर्स डेली आने वाले हैं, तो आप अपना ऐसा एक शेड्यूल फिक्स कर लीजिए कि जो टाइम आपका प्रोडक्टिवली आप यूज़ नहीं कर पा रहे, मतलब आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, 10 hours, 12 hours पढ़ रहे हैं आप, लेकिन कोई ऐसा टाइम है 2 hours का टाइम जो आपको दिख रहा है कि डेली वो टाइम आपका वेस्ट हो रहा है, तो उस टाइम में अगर आप ये क्रैश कोर्स लेंगे तो आपका एडिशनल एडवांटेज मिलेगा, आपकी जो स्टडी थी वो चलती रहेगी, उसके साथ एक और सब्जेक्ट आपका कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, और इसमें जो भी डाउट्स हों बिल्कुल आप उसको लिख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में भी लिख सकते हैं। तो अभी तक अगर आपको कभी कभी ऐसा लगता हो, क्योंकि यहाँ आप सामने नहीं है, जैसे लाइव क्लास होती है तो बीच में इंटरप्शन आता है, कुछ क्वेश्चंस अगर होते हैं तो वहाँ पर हम रुकते हैं, यहाँ पर मैं एक लाइन से आपको करता चला जाता हूँ डील, जैसे आपने देखा कि हम बोर्ड रब करने के लिए भी नहीं रुक रहे हैं क्योंकि टाइम का थोड़ा कंस्ट्रेंट है। तो इस बीच में अगर आपको कभी कभी लगता हो कि फास्ट चल रहे हैं या फिर अपने आप में ही पढ़ाए जा रहे हैं, तो ऐसा आपको मेंटेन करना है, थोड़े सा पेशेंस, नोट्स बनाइए प्रॉपर, और यहाँ से आप अपना आज का जो लेक्चर था यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये फर्स्ट लेक्चर था हमारा और इसके बाद से हमने सब्जेक्ट को शुरू किया है। तो जहाँ पर भी डाउट हो बिल्कुल मैं आपका वेट करूँगा कमेंट सेक्शन में, और टेलीग्राम ग्रुप के लिए एक बार मैं आपको आज PDF सेंड कर दूँ, फिर उसके बाद हम टेलीग्राम ग्रुप में कम्युनिकेशन एज वेल एज सिग्नल के भी जो डाउट्स हैं वो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच, आप बिल्कुल डेडिकेशन से लगे रहिए, बहुत कम टाइम है जब आपको अभी ये अपने आप को ऐसे डेडिकेटेड रखना है, इसके बाद तो फिर बहुत ही आप एंजॉय करने वाले हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।